राजा रविचंद्र वर्मा शरीफ और नेकदिल इंसान थे। बिजनेस कमाने के लिए नहीं, लोगों को रोजगार देने के लिए करते थे। राजा साहब अपनी तीनों बहनों को बहुत चाहते थे। उन तीनों बहनों के भाग्यशाली पति ये तीनों हैं। राजा साहब को प्यार था अपनी बहनों से और उन तीनों को प्यार है राजा की दौलत से। ये है राजा साहब का साला, भुलक्कड़ है पर है भला आदमी। राजा साहब की मौत के बाद अब सबकी नजर है उनके वारिस पर। भगत सेठ एक मक्कार और कमीना बिजनेसमैन, पहले पैसे लेकर कत्ल करता था, अब बिजनेस करता है। बोली शुरू करो। किंग कंस्ट्रक्शन से अभी तक कोई आया नहीं है सर। राजा तो मर गया, अब उसकी कंपनी में और कौन बचा है? राजा का बड़ा बेटा सर। ये इतना सा पित्ता हमारे मुकाबले बिजनेस करेगा? हाँ सर। शुरू कीजिए। सरकारी बोली है 10 लाख। 10 लाख 10 हजार। 50 लाख। भगत कंस्ट्रक्शन की फाइनल बोली है 2 करोड़ 1 लाख। एक मिनट के बिजनेस के मैदान में तुम बोल्ड हो गए बेटा। सॉरी, बैड लक। बोल्ड नहीं हुआ, सेंचुरी मारी है। वो स्पिनिंग मिल जो 50 लाख की भी नहीं है, मैंने उसकी कीमत बढ़ाकर 2 करोड़ तक पहुंचा दी। मजदूरों का 1.5 करोड़ का फायदा। किंग का मतलब जीतने वाला ही नहीं, जिताने वाला भी होता है। गुड लक। मेरे बच्चे। अरे भाभी, जीता तो छोटा है, फिर बड़े को बधाई क्यों? इसे जिताने के लिए ये खुद हार गया। सच्चा किंग जीतने वाला नहीं, जिताने वाला होता है। बोल कुत्ते, हराम का माल समझ के रखा है क्या? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। क्या कर रहे हैं? क्यों मार रहे हैं? क्या क्या है? तुम जानती नहीं हो, किंग ने इस पे भरोसा करके इसे तिजोरी की चाबियां दी और ये हमें चूना लगा गया। आप कहना क्या चाहते हैं? साले साहब के जन्मदिन के मौके पर हमने वर्कर्स का बोनस तिजोरी में रखा था और ये कह रहा है सूटकेस गायब हो गया। इस हरामजादे, ये क्या हो रहा है? मालिक, मालिक मैंने पैसे नहीं चुराए, मैं सच कह रहा हूँ। आप यहाँ से चले जाइए। छोटे मालिक, आप भी मुझ पर शक कर रहे हैं। कहा ना, आप यहाँ से जाइए। तुझे जाने को बोला ना, चल निकल यहाँ से, निकल। गोपी मोहन, मामा ने पुलिस कंप्लेन करने को कहा ना, तो मेरा दिल तो बैठ ही गया। और मेरा दिल तो पैंट के नीचे से निकल गया। पर सूटकेस है कहाँ? तुम फिक्र मत करो, मेरे कमरे में छिपा रखा है। वो सूटकेस तुमने अपने कमरे में क्यों छुपा के रखा है? जाओ उसे ले आओ और नोट देता। मैं पहले से ही जानता था कि हमारे देशमुख जी बेकसूर है। आपकी कमीनेपन को बहुत दिनों से अनदेखा कर रहा हूँ। सिर्फ मेरी बुआ और परिवार की इज्जत के खातिर मैं चुप बैठा हूँ। आप तीनों अभी के अभी देशमुख जी के पास जाओगे और उनसे माफी मांगोगे। सोचा था साले साहब की मौत के बाद कंट्रोल हमारे हाथ में आएगा, पर ये पिता हमारे रास्ते में रोड़े अटका रहा है। अगर रास्ते में रोड़ा अटकता है तो क्या करना चाहिए? दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। वो तुम जैसे करते हैं। और तुम जैसे रोड़े को ही उड़ा देते हैं। जन्म के बाद से ही मेरे बड़े बेटे के साथ हर 2-3 सालों में कोई ना कोई घटना होती रहती है। पंडित जी, मैंने उसकी कुंडली देखने के लिए ही आपको यहाँ बुलाया है। इस कुंडली वाले के भाग में राजयोग के साथ कुछ खतरे भी हैं देवी। सन 2010 में इनकी जान को खतरा है, बहुत ही भारी खतरा। अगर ये उस खतरे से बच गए तो इन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इनकी आयु बहुत ही लंबी होगी। क्या उसे खतरे से बचाने का कोई समाधान, कोई उपाय है पंडित जी? हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे देवी, बाकी भगवान के हाथ में है। ये सब कैसे हुआ? इस बार कॉन्ट्रैक्ट 100% हमको मिलेगा। सर, अब किंग को कमजोर मत समझिए। क्या कर लेगा किंग? मैं सबको खरीद चुका हूँ। मूर्ति का फोन। हाँ बोल मूर्ति। सॉरी सर, बहुत ही बुरी खबर है, इस बार भी किंग ही जीता। नहीं, क्या हुआ सर? फिर किंग जीत गया, फिर किंग जीत गया। मैं उससे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसकी सुपारी निकालूंगा, मरवा दूंगा उससे मैं। मर गया। तुम्हारे होते हुए भी मेरा बेटा मर गया, तो अब तुम्हें भी मर जाना चाहिए। बेटा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश थी किंग की मौत। सिर्फ किंग ही नहीं, मैं उसके पूरे खानदान को मिटा दूंगा। हेलो 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 भैया, अगर आप मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने आएंगे ना तो ही मैं लंदन की फ्लाइट पकड़ूंगा, वरना आप तो मुझे जानते ही हैं। सो कम टू द एयरपोर्ट। मेरा नाम है किट्टू, काला किट्टू। ये है मेरा बिजनेस, और साइड बिजनेस है सुपारी लेकर खत्म करना। आज मैंने तेरी सुपारी ली है, यानी तू खत्म। डर लग रहा है? मुझे तो छोड़, हमारी फैमिली में किसी को भी डर नहीं लगता। जानता है क्यों? सारे लोगों को विश्वास है अनदेखे भगवान पर, मगर हमें विश्वास है दिखने वाले भगवान पर। दिखने वाला भगवान यानी किंग। चल देखते हैं तेरा भगवान तुझे कैसे बचाता है। उड़ा दो उसे। तेरे बारे में मैंने बहुत सुना था, आज तुझे मिल भी लिया। बस ये याद रखना कि मैं एक करंट हूँ जो लाइट भी जलाता हूँ और तुम जैसों को राख भी कर देता हूँ। मेरे अड्डे पर आकर मुझे ही धमका रहा है। जानता है इस जुर्रत के लिए क्या इनाम मिलेगा? तेरे ही सामने तेरे भाई की मौत। मेरे भाई को तुम में से जिसने भी छुआ उसकी लाइफ की गारंटी यहीं पे खत्म। ट्राई कर लो। इसे छू के बता, चल छू के बता। बोल, इसकी सुपारी किसने दी? किंग अपने लोगों की रक्षा करना जानता है और तुझ जैसे लोगों को कुचलना भी। मैं यहाँ तुझे रोकने नहीं बल्कि ये कहने आया हूँ कि तुम मुझसे टकरा, मुझसे, मेरी फैमिली से नहीं। और एक बात सुन ले, अगली बार किंग की फैमिली पर हाथ उठा तो तू इस दुनिया से उठ जाएगा। यह धमकी नहीं है। माँ, क्यों परेशान हो रही हो? अजय लंदन ही तो गया है, वापस आ जाएगा। नहीं बाबा, भाभी इसलिए परेशान है कि तुम उत्तरांचल जा रहे हो। हाँ बेटा, याद है ना पंडित जी ने कहा था ये साल तुम्हारे लिए अशुभ है, इसलिए सफर पर मत जाओ। पर माँ, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। फैक्ट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो मुझसे ही सॉल्व होगा। 2 दिन में लौट आऊंगा, प्रॉमिस। राजा बाबू, भैया के जाने के बाद तुम ही हम सबकी हिम्मत हो। जब तक आप सबका प्यार मेरे साथ है बुआ जी, मुझे कुछ नहीं है। सुना है शहर से बाहर जा रहे हो? गोपी मोहन बता रहा था। बात यह है कि कल से तुम्हारी बुआ घहने 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 चिल्ला रही है, सोने का भाव भी गिर गया है। अगर तुम मुझे 5 लाख दे दो तो पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया पर बैट लगा दूंगा। मैंने तो बैटिंग छोड़ दी है। चुप क्यों हो, कुछ बोलो ना। आपको इंडिया पर भरोसा नहीं है और मुझे आप पर। साडू भाई, आप जानते हैं कि किंग को झूठ से चिढ़ है, सीधी तरह कहिए आपको पैसे चाहिए तो जरूर मिल जाएंगे, है ना बेटा। मत देखिए, मैं आप तीनों को अच्छी तरह जानता हूँ, मेरा मुँह मत खुलवाइए, जाइए अपना अपना काम कीजिए। अरे इतने साफ इनकार के बाद कुत्तों की तरह हड्डी के पास क्यों खड़े हो, चलो यहाँ से। अच्छा बेटा हम चलते हैं। आपको गहने चाहिए ना बुआ जी? अगर गहने चाहिए होते तो तुमसे कहती, उनसे कभी न कहती, वो तो झूठे हैं। अच्छा जवाब दिया तुमने। भांजे, अरे भांजे कुछ भूल तो नहीं गए ना? भूल तो आप गए हैं। अरे मैं क्या भूल गया है? सॉरी, तुम्हारे शहर जाने की तैयारी में मैं भूल ही गया। अच्छा तुम्हें अपनी माँ से कुछ कहना है? उनसे सिर्फ इतना ही कहना कि टेंशन ना ले, मैं सही सलामत लौट आऊंगा। ओके मामा जी? ओके भांजे, बाय 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 बाय। से कहना है सही सलामत। हाँ सही सलामत वापस आ जाएगा, सही सलामत। सही क्या है, चिल्ला क्यों रही हो तुम मुझ पर? बैट नहीं पहनी है। हाँ वो तो किंग ने बताया था, लेकिन उसने कुछ और भी कहने को कहा था। अब मुझे क्या पता क्या कहने को कहा? हाँ तुम्हें कैसे पता होगा, लेकिन उसने मुझे कुछ कहा था। क्या कहा था कहने को? इस किंग ने तो हमारी कमाई के सारे रास्ते बंद कर दिए। दादू अपना कर्जा वापस मांग रहा है, अगर हमने पैसे नहीं दिए तो वो हमें अंदर करवा देगा। क्या करें, ये फोन को भी अभी बजना था। दादू का फोन 100 साल जिएगा कमीना। वो तो 100 साल जिएगा, लेकिन अगले साल तुम्हारी बरसी होगी। अरे खाली पीले डराओ मत। मेरे शफी का फोन है। शफी, ऑस्ट्रेलिया पर 50,000 का बेट लगा दो। क्या बात है अप्पा, फोनवा काहे काट दिए? दादू भैया ये फोन आपके पास कैसे? मैं अभी दिल्ली में हूँ, सोचा मिलके आमने सामने बात करेंगे, इसलिए फोन काट दिया। मैं दिल्ली के बाद आगरा जा रहा हूँ, वहाँ से पेठा लाऊंगा। बंदूकवा यहाँ फैर हुई, तुम दिल्ली में काहे चीख पड़े बचुआ? दादू भैया कहाँ है आप? हम वहाँ पर है जहाँ से तुम हमरा निशाने पर हो। मुझे मार के आपको क्या मिलेगा दादू? इस बार मेरे पास एक बढ़िया प्लान है। जो पिलानवा चूका तो अगली बार बल्ब की जगह तोरा माथा फटेगा। गुरुदेव हमें भी तो बताइए, क्या है आपका प्लान? नहीं बताऊंगा, बस इतना समझ लो किंग उत्तरांचल गया तो है पर वापस नहीं आएगा। ये तो मैं शादी के अगले दिन से सुनता चला रहा हूँ। प्लान कामयाब होगा? मुझे तो नहीं लगता कुछ होगा। फिर तुम्हारा शैतानी दिमाग किस दिन काम आएगा? कोई प्लान है क्या? सर फ्लाइट अभी अभी लैंड हुई है। तुम इस कंपनी में नहीं हो, उन्हें ठीक से वेलकम करना, बहुत बहुत अलर्ट है। आप मुझे इतना डराइए मत सर, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ओह सो सॉरी सर। वेलकम सर। सर आई एम स्वप्ना सर, प्लीज कम। लेट्स गो। प्रॉब्लम क्या है? लोकल माफिया सर, वो वर्कर्स को धमका रहे हैं, उन्हें काम पे आने से रोक रहे हैं। वो फैक्ट्री बंद करा के जमीन हड़प करना चाहते हैं सर। अब उन लोगों के होते हुए फैक्ट्री को चलाना हमारे लिए मुश्किल होगा सर, इसलिए हमारी राय है कि इस फैक्ट्री को बंद करना चाहिए। अगर कुछ गुंडों की वजह से 3000 घरों की रोजी खतरे में, तो बजाय फैक्ट्री को ताला लगाने के उन्हें ताले में बंद करना चाहिए। लेकिन वो बहुत खतरनाक लोग हैं सर। जंग का खौफ सिपाही को हो सकता है, लेकिन किंग को नहीं। यही वो सर फ्लाइट का टाइम हो गया, मैं होटल में वेट कर रहा हूँ। आप कहाँ हैं? मैं कब्रिस्तान में हूँ। कब्रिस्तान में? आर यू ओके? आई एम ओके। सॉरी किंग। क्या आज आपने किसी के मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखाई थी? हाँ सर। आइडेंटिफाई कीजिए। क्या वो ये है? नहीं। ये? नहीं सर। क्या ये है? क्या वो यही है? No. क्या कहा? मेरा बेटा गायब है? ये सच है मैडम। मैंने कई पुलिस स्टेशनों में कंप्लेंट भी लिखवाई, पर आपके बेटे का कोई पता नहीं चला। एक पुरानी कहावत है, घर के चोर को तो भगवान भी नहीं पकड़ सकता। तुम कहना क्या चाहते हो गोपी मोहन? किंग उत्तरांचल गया तो है पर वापस नहीं आएगा। किंग उत्तरांचल गया तो है वापस नहीं आएगा। किंग उत्तरांचल गया तो है पर वापस नहीं आएगा। अप्पा जी क्लीन बोल। ए गोपी मोहन, ये सब क्या है? आपके करतूतों का सबूत। इंस्पेक्टर डीसीपी। हाँ डीसीपी इंस्पेक्टर, अगर आप इनको अंदर करके डंडों का जुलाब चखाएंगे तो सच खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। अप्पा जी साहब, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलूंगा ना, मेरे पास भी इसके खिलाफ कई सबूत हैं। मैं अभी तुमको दिखाता हूँ। हटो, रास्ता छोड़ो। हम अपना मोबाइल लाएंगे क्या? शिट, भाग गया। इतना बड़ा पेट लेकर आखिर वो कितनी दूर भागेगा? ढूंढो उसे, गिरफ्तार करो। कॉन्स्टेबल्स कम ऑन। गोपी मोहन, अच्छी तरह समझ गया हूँ तेरी शातिर चाल। किंग को तुमने मरवाया और मोबाइल फोन के रिकॉर्डिंग से अप्पा जी को फंसाया है। एक तीर से दो शिकार है। भाभी जी, हम अपने अजय को वापस बुला लेते हैं। नहीं नहीं, वो सह नहीं सकेगा। वैसे भी मेरे राजा बेटे को कुछ नहीं होगा। तुम लोग फिक्र मत करो। बाबा, मैंने सबको उम्मीद दिलाई है, पर मेरी उम्मीद तो आप ही हैं। उसे मेरे पास सही सलामत भेज देना बाबा। सही सलामत, सही सलामत, सही सलामत। हाँ दीदी, किंग ने मुझसे कहा था कि वो सही सलामत वापस लौट आएगा। तुम चिंता मत करो दीदी, वो आ जाएगा। मैं जानती हूँ वो जरूर आएगा, हम सबकी खातिर। बापा उसे वापस जरूर भेजेंगे। नमस्ते भाई। क्या रे, फिर से आया तू? कहा था ना इधर नहीं आने का। तुम्हारा लीज पीरियड खत्म हो गया है। इसे अपनी बेटी की शादी करनी है। अगर तुम ये जगह खाली कर दोगे तो ये इसे बेचकर अपनी बेटी की शादी करेगा। तू कोई तुर्रम खाने क्या? नहीं, रघु रोकड़ा का आदमी हूँ। रघु रोकड़ा, रघु चोपड़ा, रघु थोपड़ा। चल फुट यहाँ से। चल चल निकल, पतली गली से चल निकल, चल निकल यहाँ। कोहिमा, वेस्ट साइड कंडला, नॉर्थ साइड कश्मीर, साउथ साइड कन्याकुमारी, ऑल साइड मिला के इंडिया बनता, जहाँ का बच्चा बच्चा रघु रोकड़ा को जानता। ये रघु रोकड़ा है कौन? तेरे को चार मीनार मालूम? मालूम। ताजमहल मालूम? गेटवे ऑफ इंडिया मालूम? पर तेरे को रघु रोकड़ा नहीं मालूम? नहीं मालूम। तो चल तेरे को एक हिंट देता हूँ। जब रघु रोकड़ा का पड़ता फटका तो पूरा इंडिया नजर आता घूमता। अच्छा, कोई डाउट है? अब मालूम रघु रोकड़ा तुम हो। करेक्ट, मैं हूँ रघु रोकड़ा। पिन की तरह घुसता हूँ और तलवार की तरह चीरता हूँ। यहाँ के मालिक ने मुझे सुपारी दी है ये जगह खाली करानी। नहीं की तो उसे बुरा लगेगा, और अगर उससे बुरा लगा तो तेरा बुरा। अच्छा, कैसे? ऐसे। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी पिक्चर देखेगा या यहाँ से निकलेगा? ये क्या मारपीट हो रही है? देखो साहब, ये मुझे मारने लाए। तेरे को बोला ना जगह खाली का है। पुलिस वालों से दादागिरी करता है, साले गोली मार दूंगा। माफ कर दो भाई, माफ कर दो, मैं बैठ पड़ता हूँ भाई। थैंक यू भाई। चल चल निकल 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 चल। अरे घबरा मत, ये सब ड्रामा था। ड्रामा था, सॉस की कसम। आप तो सचमुच ग्रेट हैं भाई। अरे तारीफ बंद करो और माल निकालो यार। ये लीजिए 10,000। 10,000? अरे इतने में तो गला भी गीला नहीं होगा। हर चीज को पैसे में मत तोलो। हमने इनकी बेटी की शादी के लिए मदद किया ना, जान दो। अगर तुमने टांग नहीं अड़ाई होती ना तो हम यहाँ नहीं जन्नत में बैठे होते। जन्नत यानी? अरे वो एक मस्त बार है, हर तरफ डिस्को लाइट्स, दारू, झूमती लड़कियाँ। मेरी शादी की फिक्र छोड़ के बार में जाने की सोच रही है? तो और क्या करूँ, ट्राई तो बहुत कर रहा हूँ। कहीं बात बनी क्या? अच्छा, हमारा धंधा देख कर कोई भी अपनी बेटी देने को तैयार नहीं। अरे धंधा तो हम लोग बदल नहीं सकते, पर हुलिया तो बदलने की ट्राई कर सकते है ना। चल जान दे, कभी तो किस्मत चमकेगी। लो बारिश शुरू हो गयी। हुआ बेटा? एक लड़की ने मेरे दिल पे बिजली गिरा दी। अच्छा, कौन सी लड़की? बस में निकल गई। अरे जाने दे, बस की तरह एक गई तो दूसरी आ जाएगी। लेकिन मेरा दिल तो उसी पे आया ना। दिल तो आ गया, पर अब वो लड़की मिलेगी कहाँ? रघु रोकड़ा की घंटी बजी, मतलब लड़की मिली। साहब कैसा लगा? लगा तो अच्छा, लेकिन है क्या? क्या बोला? मतलब फर्स्ट क्लास लगा भाई। शेर या ऊंट तो नहीं, मुझे तो कुत्ते जैसा लगता है। अबे जब कुत्ता बनाया तो कुत्ते जैसा लगेगा या तेरे जैसा? इसको भी दिखा दे, खुश हो जाएगा। लड़की वाले मांगे तो यही फोटो भेजना, देखते ही तेरा रिश्ता पक्का हो जाएगा। और तू देखना, मास्टर साहब की बहन के साथ चुटकी बजाते ही अपना रिश्ता भी पक्का। क्या हुआ, ऐसे भौंक क्यों रहा है? कह रहा है फोटो भेजने से पहले कपड़े पहना देना। भाई, भाई हैदराबाद का सारा धंधा हम लोगों से छिन रहा है। अबे चुप बे, पहले बताओ ये फोटो कैसा है? कौन सा फोटो भाई? आंखों का बल फ्यूज हो गया तेरे, वो कुत्ते का फोटो नहीं दिख रहा है क्या? ये कुत्ते का फोटो है? तुम लोग इसे कुत्ता कहते हो? ये चापलूस लोग आपके छींकने पर भी वाह करते हैं। आगे पीछे से कुत्ता और बीच से ऊंट। ना कुत्ता बनाना ऊंट, कुत्ता बनाएंगे ऊंट बनाएंगे, लेकिन हैदराबाद का धंधा छीना, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। मुझे तो फर्स्ट क्लास लगा था भाई। मेरी कला की इंसलेट की तो टेटुआ दबा दूंगा तेरा। मुझे माफ कर दो भाई, बच्चा समझ के छोड़ दो। तू मेरे बचपन का दोस्त है इसलिए छोड़ रहा हूँ तुझे। अब बोल, क्या बोल रहा था? रघु रोकड़ा नाम का कोई आदमी हैदराबाद पर कब्जा कर रहा है। अगर उसने अपना धंधा जमा लिया तो हमारी छुट्टी हो जाएगी भाई। जो ज्ञान भाई से टकराएगा सीधा शमशान जाएगा, चार कंधों के बगैर। कहाँ रहता है वो? ये तुम लोग कोई नहीं आना, मैं देखता हूँ उसको। ये सुन रहे, बाहर निकल। कहाँ है रघु रोकड़ा? माँ का दूध पिया तो पहारा। देख कौन आया तेरे से मिलने, बाहर निकल। छिलकों से छिलका काट। सुनने में आया कि तू मेरे हैदराबाद में धंधा कर रहा है। निजाम के नवाब ने तेरे को हैदराबाद बर्थडे गिफ्ट दिया था क्या? ज्ञान भाई आप यहाँ? अरे नरसिम्हा भाई आइए ना, ये मेरा बेटा है, अंदर चलकर आराम से बात करते हैं। देख भाई, इस शहर में वही होता है जो ज्ञान भाई चाहता है, धमकी देना, वसूली करना, सब मेरे आदमी करते हैं। तूने वसूली कब से शुरू कर दी और इसका मतलब क्या है? कंपटीशन सुना है? ए, दो चार लल्लुओं को पीट कर तू डॉन बन गया क्या? अबे चुटकियों में मैं तेरे जैसों को गायब करवा सकता हूँ। अबे मुझे कमिश्नर तक सलाम ठोकता है। भाई भाई भाई, एसआर नगर थाने में हवलदार लोग अशोक और भास्कर की सॉलिड धुलाई कर रहे हैं। उसे बताया नहीं कि मेरा आदमी है। आपका नाम बता दिया, उनकी डबल ट्रिपल धुलाई की। भाई चुप रहे। हाँ मैं क्या बोल रहा था, सब लोग ऐसे धंधा करेंगे तो क्या मैं चूड़ियाँ बेचूंगा? चल छोड़, तेरी गलती माफ करता हूँ। अबे भाई बनने का शौक है तो मेरे लिए काम कर। शेर किसी की नौकरी नहीं करता। अरे देखो इसको, ये क्या बोल रहा है। क्या करूं भाई, जिद्दी लड़का है, किसी की नहीं सुनता। देख इसके जैसे बहुत सारे येड़ों को सीधा किया है मैंने। तेरा बेटा इसलिए मांडोली करता हूँ। चल हैदराबाद संभाल और 10% कमीशन तू रख ले। सोने की दुकान, मैं तेरे पास आया हूँ कि तू मेरे पास आया? चल मैं तेरे पास आया हूँ तो क्या? कमीशन मैं फिक्स करूंगा। तू फिक्स करेगा? 10% तू लेगा। अरे ये क्या नरसिम्हा, ये तो मेरे धंधे की वाट लगा रहा है। भाई अब आप ही संभाल लीजिए ना इसको। यार क्या बेटा पैदा किया है तूने, तेरी दोस्ती की वजह से चुप बैठ रहा हूँ। चल ठीक है, 10% मेरा अपन, बाहर किसी को बोलने का नहीं। को? अरे बाहर मेरा कचरा हो जाएगा, किसी को मालूम नहीं ना कि अपन दोनों के बीच में क्या सेटलमेंट हो रहा है। समझा रहा है इसको, मांडवली कर लेना बाबा। ठीक है। अरे यादव वो लेके आ। साला क्या क्या करना पड़ता है। हाँ अरे ले लो भाई, गिफ्ट है। गिफ्ट चाहिए? खोल के देखो, मस्त चीज है। ये है क्या? पेंटिंग? ये पेंटिंग है, लगता है किसी ने रंग पी के उल्टी कर दी है। इसको पेंटिंग बोलता है। तेरी किस खजूर ने बनाई ये पेंटिंग, जरा बता दो। ज़बान संभाल के, भाई ने बनाई ये पेंटिंग, समझे? ये तो चुप रहे। ये पेंटिंग मास्टर साहब ने बनाई थी। मैंने कब बनाई थी? अच्छा नरसिम्हा भाई देखो, हैदराबाद में अपना मस्त बंगला है, तुम लोग उसी में जाके रहने का, ठीक है? और पंटर लोग आज ही शिफ्ट हो जाने का। आज ही शिफ्ट हो जाने का? उस कबाड़ खाने में चूहे और सुअर कबड्डी खेलते हैं। अरे सफाई करवा देंगे, चक्काचक हो जाएगा। अच्छा चलता नरसिम्हा भाई। अच्छा चलो रघु भाई, अपना ध्यान रखना, ठीक है? भाई लोग मैंने 10% पर हैदराबाद नरसिम्हा को दे दिया। अभी पुराना दोस्त है, बहुत गिड़गिड़ाया, मैंने सोचा चलो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसको 10% क्यों देने का भाई? अरे तू टेंशन क्यों लेता है, सारा रिस्क वो उठाएंगे, अपने को बैठे बैठे 90% मिल जाएगा। अच्छा हुआ भाई वो 10% में मान गया। अभी तू मुंह खोला तो मेरे को भी याद आया। क्यों बे, मैं उधर कमिश्नर की धौंस जमा रहा था और तूने आके बग डाला कि पुलिस स्टेशन में हवलदार मेरे आदमी को धो रहे थे। भाई मारना मत, डॉक्टर छुट्टी पे गया है। मारूंगा नहीं, तुझे तो मैं इनाम दूंगा। तूने कहा था कि अपना बंगला गंदा है ना, अब उस पूरे बंगले की सफाई तू करेगा। आज से ज्ञान भाई ने धंधा संभालने का जिम्मा रघु भाई को दिया है। दिया नहीं, लिया है भाई। ये है राजेश मेंटल। नमस्ते भाई। बचपन से ही क्राइम की कमाई खा रहा है भाई। अभी अपने एरिया में दारू का धंधा डाला इसने, बस वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई। सारी औरतों ने मोर्चा निकाल दिया कि उनके पतियों को लूटा जा रहा है। अब आप ही बताइए भाई, हफ्ता देते हैं तो धंधा तो करेंगे ही ना। आराम का खा के भी तेरा पेट नहीं भरा कि तूने दारू का धंधा शुरू कर डाला। इसका लोग मेहनत करके 150 कमाते हैं और तुम लोग उनके बच्चों की रोटी छीनकर उन्हें दारू में डुबाते हो, नकली दारू बनाकर उन्हें मौत बेचते हो, कमीने। और अब इनका मैटर बोल। इनका मैटर सुनोगे तो भाई खड़े खड़े कलेजा फट जाएगा। अच्छा? हाँ, इसके ससुर ने इसे 2 लाख रुपए देने का वादा किया था भाई। हाँ। 1 लाख दिया, बाकी दूसरे के लिए हाथ दिखा दिया। अभी इसे गुस्सा आया तो उठा के बीवी का सर धाड़ से दीवार पे मारा और घर के बाहर फेंक दिया। अब इतनी सी बात पे भाई इसके ससुर ने पुलिस केस कर दिया। अब ये भी कोई बात हुई? हाँ? इस बंदर जैसी शक्ल के लिए दहेज चाहिए। दहेज ये मांग रहा भाई। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसके सपने तोड़े, उस पर हाथ उठाया। कहाँ गए रे, सबके सब कल्टी हो गई क्या? तू सब ऐसे ही मटर लाया क्या? मांडवाली के मटर तो ऐसे होते हैं भाई। मांडवाली के फैसले अपनी जेब भरने के लिए नहीं करते। नेक्स्ट टाइम ऐसे मैटर लाया तो तेरे सर से पांव तक प्लास्टर चढ़वा दूंगा। क्या बात है भाई, बहुत टेंशन में लग रहे हैं। अरे चुप, सर आ रहे हैं। पूरा शहर भाई से डरता है और भाई सर से। भाई इस मच्छर से डरता है। तेरे बोल, भाई को इसकी बहन से प्यार है। वो बोलती है कि उसकी फैमिली भाई की तरह नहीं बल्कि आर्टिस्ट फैमिली है। एक पेंटिंग बनाकर मेरे भाई को इम्प्रेस करे तो मैं अपनी फैमिली वाले को शादी के लिए मना सकती हूँ। गुड मॉर्निंग मास्टर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने होमवर्क कर लिया? हाँ किया ना सर, दिखाता हूँ। सारी रात जाग कर मैंने पेंटिंग बनाई है सर। सारी रात जाकर ये नंगू पंगू को बनाया है। ये है क्या? दयावान आसमान है? इस पेंटिंग का नाम है सर। ओहो। इस पेंटिंग में खड़ा लड़का बेचारा अनाथ है। इसके पास खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है। सर ये सब ठीक है, लेकिन इसके कान क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहरा है। हा? बहरों को कान नहीं होते क्या? पर पेंटिंग में कैसे पता चलेगा कि ये बहरा है सर, इसीलिए कान नहीं बनाए। यानी भेजा नहीं तो सरी गायब कर दोगे। चलो अब आगे की कहानी बताओ। भूख लगती है तो जमीन को देखता है, और जब प्यास लगती है तो आसमान की तरफ देखता है। आसमान इस पर तरस खाकर इसे 1, 2, 3 बूंद पानी देता है। भाई वाह, तुम्हारी पेंटिंग का तो जवाब नहीं। तुमने अपने दिमाग में अपनी स्टोरी तो फिट कर ली, लेकिन देखने वाले कैसे समझेंगे? सब तो समझ में आ रहा है सर। क्या खाक समझ में आ रहा है भाई? क्या बात है, इतना भौंक क्यों रहा है? बहुत जरूरी मैटर है मास्टर जी। ये उससे ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे हिसाब से ये सबको समझ में आएगा, है ना? हाँ मास्टर साहब, दिन के उजाले की तरह। एक कुट्टी, ये पेंटिंग देख और बता मुझे क्या समझ में आ रहा है। बता। इस लड़के के घर में टॉयलेट नहीं है तो ये जंगल में आया है, और जल्दी जल्दी में लोटा लाना भूल गया तो पहुँचने के लिए झाड़ से पत्ते मांग रहा है कि नहीं? ठीक है। बुरा मत मानना, तुम्हारे सर में भेजा नहीं गोबर भरा है, इसलिए तुम्हारे पेंटिंग के आइडिया से बदबू आती है। आप ही बताइए मैं क्या करूं सर? पेंटिंग बनाते वक्त मेरे हाथ कांपते हैं। दारू बंद करो। पेंटिंग का दारू से क्या कनेक्शन है सर? अगर हाथ शेक नहीं होगा तो पेंटिंग की शेप अच्छी बनेगी। ट्राई करो, मैं कल आता हूँ। साले अकल के दुश्मन। वो क्या पहुँचने के लिए पत्ते मांग रहा है? गलती से मिस्टेक हो गई। आप क्या सोच के पेंटिंग बनाते हो मुझे बता देना, मास्टर को वही बताऊंगा मैं। वो क्या तेरे जैसे गधे से 2 बार सवाल पूछेगा? ना 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 ना, मेरी बात तो सुनो भाई। वो रघु रोकड़ा है ना, अपने धंधे की बहुत बुरी तरह से फाट लगा रहा है। जब से हैदराबाद में घुसा है वो तो नोट छाप रहा है और हमें कुछ भी नहीं दे रहा। कुछ करो भाई। लोग बैंकों पर भरोसा करते हैं और हमारे यहाँ पैसा जमा कराते हैं। अगर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले पेमेंट नहीं करेंगे तो हमें बैंक बंद करने पड़ेंगे और नुकसान भुगतना पड़ेगा आम कस्टमर्स को। सिर्फ हमारे ही शहर में बैंक का 7,000 करोड़ का पेमेंट बाकी है। अगर आप वो उधार वसूल करवा दें तो हम आपको 10% देंगे। परसेंटेज से ज्यादा तुम्हारा काम अच्छा लगा। डील पक्की, कल से ही काम चालू हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सर। तुम धंधा खराब कर रहे हो, इसकी मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी। तुम्हारे काम का स्टाइल अच्छा है। खुश। मैं काम करता हूँ इंसाफ के साथ, यही मेरी पॉलिसी है। भाई का पॉलिसी वाली से नहीं, रोकड़ा मांगता है। देख, अगर पैसे के लिए सौदा करेंगे तो भाई का नाम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में खराब हो जाएगा। ये बहुत डेंजर है। और अगर पैसा साइड में रख के सौदा करेंगे तो भाई का नाम ऊंचा हो जाएगा। क्या बोलते हैं? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे काम में कोई इंटरफेयरिंग नहीं करूंगा। अपने स्टाइल में धंधा करते रहो। चलो नरसिम्हा भाई, चलो साले तेरे तेरी मैं पूंगी बजाता हूँ। क्यों बे, उधर मास्टर के सामने तूने मेरी इज्जत का भाजी पाला किया और इधर गलत इन्फॉर्मेशन देके तो हमारे बीच लफड़ा करवाना चाहता है। अभी क्या करूँ साले का? भाई माफ कर दो, डॉक्टर लोग स्ट्राइक पे गए हैं। तुझे माफ कर दूँ? कर दिया। तो गाइस समझ गया ना, डील एकदम आराम से करना। ओके भाई। ओके भाई नहीं, ओके ब्रो बोलो। ब्रो मतलब भाई, कॉर्पोरेट स्टाइल। ओके ब्रो। डिस्पर्स। क्या बात है जी? मैं बैंक से आया। अच्छा, वो लाया हो ना? क्या सर? क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था, वही लाया हो ना? मैं देने के लिए नहीं सर, लेने के लिए आया। क्या लेने आया हो? क्रेडिट कार्ड का पेमेंट। यहाँ सिर्फ इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है, यानी सिर्फ लेना है, देना कुछ नहीं है। सर ये बात है तो हमें आप पर केस करना पड़ेगा। माजा और केस करेगा क्या? मैं TV9 से कह दूंगा कि तुम मेरे घर गुंडे भेजते हो। पुलिस वाले को बोलूंगा कि तुम औरतों से बदतमीजी करते हो। हेलो, के मोर स्पीकिंग। आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए सर? बोला मैडम, मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए। बढ़िया रिकॉर्ड है मेरा, पेमेंट भी एकदम फटाफट करता हूँ। थैंक यू मैडम। मारा सामान को लेके चलाओ। कार, मेरी कार का लेके जा रहा हूँ। मुझे मार क्यों रहे हो तुम? तेरे को कॉर्पोरेट स्टाइल में समझाया तो तू नहीं समझा, तेरे को रघु रोकड़ा की स्टाइल में समझा। ये रघु रोकड़ा को? जब रघु रोकड़ा का हाथ पड़ता तो सारा इंडिया नजर आता घूमता। कैसे घूम जाता है? घुमा के नहीं घुमा, घर घर घुमा। तुम ही रघु रोकड़ा हो। समझ गया ना? अब पैसे दे जा, सामान ले जा। ए, कुछ भी मत छोड़ना। से बाप निकाला। फ्लोर पे? वो थर्ड फ्लोर पे। दिखता नहीं क्या तेरे को? सर मेरी गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड के बच्चे, ये चश्मा अच्छा है, नल्ला पर रख ले। ये बलून भी दे जा। सब डांस क्यों कर रहे हैं? आज वैलेंटाइंस डे है भाई। अगर आपने किसी लड़की को फूल दे दिया तो समझो मामला फिट है। ये चुपड़ भाई, ये सब बेकार की बातें हैं। ये रईस बाप की बिगड़ी हुई औलादे हैं। आज हमारे अशोका मेट्रोपोलिटन मॉल में हमारे शॉपर्स में फर्स्ट प्राइज जीतने वाले का टोकन नंबर है 153। क्या हुआ भाई? हो रही बस्ता वाली लड़की। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, थैंक यू। आपका नाम? शिवानी। भाभी का नाम शिवानी है भाई। कितनी खूबसूरत लगती है। हाँ भाई। आपने 25,000 रुपए जीते हैं, इसका आप क्या करेंगी? मैं चाहती हूँ कि आप इन पैसों को मेरी तरफ से किसी भी अनाथ आश्रम को दे दीजिए। वाओ, अरे क्या बात है, सही लड़की है। इस वैलेंटाइन डे पर अनाथों का आप इतना अच्छा गिफ्ट दे रही हैं, तो आपके बॉयफ्रेंड को क्या दे रही है? सॉरी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है भाई। अरे उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं भाई। क्या आप बता सकते हैं कि आपको किस तरह का बॉयफ्रेंड चाहिए? बेसिकली वो सेंसिटिव होना चाहिए। क्या बोल रही है? और अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो वो दूसरा गाल पेश कर दे, मतलब वो गांधी जी का फॉलोअर हो। भाई सुना, उसे कला से प्यार होना चाहिए। भाभी को जो बातें पसंद है आप में तो उनमें से एक भी नहीं है भाई। चुप। थैंक यू, थैंक यू। भाई भाभी ने तो आपका बलून पकड़ लिया। भाई भाभी के हाथ में तुम्हारा फूल है, यानी कि मामला फिट है। चुप कर भाई, ये सब बातें नहीं मानता। भाभी जा रही है। उन सभी लोगों को जिन्हें लाल फूल मिला है हमारी तरफ से शुभकामनाएं। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। छह, भाभी कहीं नजर नहीं आ रही। मेरी नजरों से दूर है पर दिल के पास है। आने के लिए शुक्रिया सर, आपका स्वागत है। आप आराम कीजिए, शॉट रेडी होती है आपको बुला लेंगे। अरे जल्दी रिकॉर्ड कर, रिकॉर्ड कर। यस सर। कैसा लगा? कॉपी लगा, मतलब बंटी और बबली की ओरिजिनल कॉपी है, सिर्फ कोरस डालना बाकी है। मैं भी बुला के लाता हूं। उसका टेम्पो, इसका टेम्पो अलग है। वो टेम्पो था, ये ट्रक है। उसमें ऐश थी, इसमें कैश है। वो मीठा आम या करेला है। जय सूर्या सर। ब्लू ड्रेस वाली को सबसे पहले अंदर भेज, ब्रेक देते हैं। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, नमस्ते, बैठो। थैंक यू सर। क्या नाम है? शिवानी। ब्यूटीफुल नेम, जैसे सावन की बदली बरस रही हो। देखो शिवानी, सच कहूं तो मैं ना सुरताल जानता हूं, ना ही राग और साग, ना ही काली सफेद। फिर भी मैं आज का अवार्ड विनिंग म्यूजिक डायरेक्टर हूं। पता है कैसे? दूसरों की कॉपी को कॉपी करके। तुमसे किसी ने पूछा सर, फिल्मों में ऊपर आने के लिए एक रिलेशनशिप होना चाहिए। एक सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर का रिलेशन तो ऐसा होता है जैसे पति और पत्नी का। ओह डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मेरा मतलब है कि उतना अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप होना चाहिए। ओके चलो, म्यूजिक की ये फालतू बातें छोड़कर हम अपने लाइफ की बातें करते हैं। ए सर, शाम के लिए गेस्ट हाउस बुक कर। हाँ। और इनके लिए गाड़ी भेज देना, ये आ जाएंगे। ठीक है सर। तुम समझ गई ना? बहुत अच्छी तरह से। मैं तो चप्पल से मारती तुम्हें, पर तुम्हारी उम्र का लिहाज करके तुम्हें छोड़ रही हूँ। मैं तुम्हारी सिफारिश के नहीं, मेरी कला के भरोसे पर यहाँ आई हूँ। गेस्ट हाउस बुक करूँ या हॉस्पिटल? सोनांजलि प्रतियोगिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आमंत्रित किया है ये फैसला करने कि सेमीफाइनल्स में से फाइनल्स में कौन जाएगा। तो हमारी पहली कंटेस्टेंट है शिवानी फ्रॉम हैदराबाद। मैं पेश कर रही हूँ गाना गायिका लता मंगेशकर और संगीतकार हेमंत कुमार। ये मेरे गुरु भाई का गाना है और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरा इस गाने से बहुत ही खास रिलेशन है। अब ये मत कहना कि ये गाना मैंने कंपोज किया था। शुक्र है। उस फिल्म का गाना बनाने के लिए मैं और मेरे गुरु भाई गोल्डन बीच में सिटिंग कर रहे थे। हेमंत को तो आप जानते ही हैं, उन्हें कन्विंस करना आसान नहीं है। मेरे जजमेंट की बहुत वैल्यू करते थे वो। तुमने वही गाना चुना है तो ये एक चैलेंज वाली बात है। एनीवे, विश यू ऑल द बेस्ट। अरे बस करो, इस गाने का ना कोई राग है ना कोई सुर है। तुम जानती भी हो कि तुम एकदम बेता लगा रही हो। तकिटे 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 तकदीमी 24 तकिटे तकिटे तकिटा 68। इस गाने की सिचुएशन जानती हो? यू नो द वैल्यू ऑफ द सॉन्ग। एक हीरो और हीरोइन के बीच रोमांस। हाँ वो रोमांस, मुझे रोमांस चाहिए। हाँ एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक भूखा बच्चा तड़प कर माँ कहता है और एक चोट खाया बच्चा कहता है माँ। इन दोनों में डिफरेंस होता है। हर भाव की अदायगी अलग होती है, धुन और मेलोडी अलग, नाद और सुर भी अलग अलग होते हैं। अगर तुम अपने ड्रेस और सजने संवरने के बजाय संगीत पर और ज्यादा ध्यान देती तो अच्छा होता। आई एम टेलिंग दैट। अफसोस ये कहना पड़ रहा है कि हमारे फिल्मों का म्यूजिक गिरता जा रहा है। उसका कारण है तुम जैसे बेसुरे सिंगर जिन्होंने संगीत का मजाक बनाया है। दिल मत तोड़ो मेरे जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स का जो तुम्हें मौका देना चाहते हैं। मत करो निराश हमें, समझी ना। हम तुम्हें जिस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं तुम उस मुकाम पर नहीं जाना चाहती। उस गेस्ट हाउस में देखो, फाइनल्स में बहुत तैयारी करके आना। मैं तुम्हें मौका देने के लिए तैयार हूँ। ऑल द बेस्ट। पहले तो आप गुस्सा हुए फिर ऑल द बेस्ट, समझ नहीं आया सर। मेरा गेम तेरी समझ में नहीं आएगा। रोमांस में एक्शन डाल के आपने गलत नहीं किया। मेरे एक्शन का रिएक्शन देखना। मुझे कब से सनम तेरे प्यार की प्यास है मन में, कैसे जीऊं तेरे बिन, मर जाऊंगा प्यासा मैं। अरे रुक जा रे शास्त्री, ये क्या शब्द है यार, प्यास प्यास। जब ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है तो पब्लिक क्या खाक समझेगी। पब्लिक को समझेगा गुरुदेव। बहस मत कर, तुम उससे ज्यादा जानता है गुरुदेव। हाँ। लेडी सिंगर्स को अंदर भेज दूं, वो गाना पूरा कर देंगी, देर हो रही है। वो तेरी रिश्तेदार हैं क्या, गाने का पैसा नहीं लेती? अगर उन्हें कोई फेवर चाहिए तो डायरेक्ट मुझसे कहे ना। तू उनका एसएमएस है क्या? उन्हें पता है कि फेवर के बदले में आप क्या मांगेंगे। अरे चल हट, भाग यहां से, चल। अरे चलो कुछ रॉकिंग सुनाओ शास्त्री। ओके गुरुजी। हां रॉकिंग। लड़की 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 तू है कमाल लड़की, खुली है दिल की खिड़की, तुझे देख कर ए लड़की तबीयत मेरी है भड़की, तू है कमाल लड़की। सर आपसे कोई मिलने आया है सर। अच्छा भेज दो उन्हें अंदर। ठीक है सर। ये है मेरे एक्शन का रिएक्शन, भागती हुई आ गई ना। अरे रुक जा शास्त्री, गाने में से लड़की निकाल, कड़की डाल दे। कड़की? हाँ ओके। कड़की 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 लड़की ने कर दी कड़की। रुक, 1 2 3 कड़की लगी दिल की यार, कड़की 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 3 कड़की 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 कड़की। भाई ये मानवाली का मैटर है क्या? नहीं दोस्ती, अपना पर्सनल मैटर है। कड़की 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 लगी दिल की यार, कड़की 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 कड़की। नमस्ते सर। ए कौन हो तुम लोग? हम आपके पंखे हैं सर। पंखे यानी फैंस सर, जय सूर्या यूथ एसोसिएशन वाले। ये तुमने कब शुरू की? जस्ट अभी सर। वो कल तुम्हारे जैसा एक ग्रुप ने आकर कहा कि जब मैं स्क्रीन पर आऊंगा तो वो तालियां बजाएंगे, और ले गए 25,000 और एक ताली भी नहीं मारी। हम लोग उन जैसे नहीं है सर। फिर किन जैसे हो? उन लोगों ने पैसे लेकर भी नहीं बजाए, हम बिना पैसे ही बजा डालेंगे। ऐसा है तो ठीक है मेरे पंखे, आओ बैठो। थैंक यू सर। वैसे तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ? बताता हूँ सर। हम आपके बर्थडे के मौके पर गरीबों को खाना खिलाओगे? नहीं, ब्लड डोनेशन पूरे शहर भर में। वेरी गुड, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। शुभकामना नहीं सर, हमें खून चाहिए। किसका? आपका। क्या बकवास कर रहे हो तुम? समझाता हूँ। ए दरवाजा बंद कर रहे। बंद कर रहे? हमने सोचा है कि पूरे शहर में आपका खून बांटेंगे। तुम कौन होते हो मेरा खून बांटने वाले? तुम कौन होते हो दूसरों के जान चुराने वाले? वॉचमैन पुलिस को बुलाओ। मुझे मार क्यों रहे हो? क्यों मार रहे हो मुझे? अरे मैंने किया क्या? कुछ समझा? सवाल पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा, इसलिए तानपुरे जो कहता हूँ वही कर। क्या करूं सर? तू एक काम कर, पहले एक धुन बना दे, फिर एक गाना लिख के हमें सुना डाल। ठीक है। ए B22 जैसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोग को चूना लगाते हैं, वैसे तो मेरे को भी चूना लगा रहा है। अब मैंने क्या किया? अब समझाना तेरे को क्यों मारा। मैं समझ गया सर। क्या समझा तेरे को? यही कि आप मुझसे कोई नई धुन सुनना चाहते हो तो सुना दे। मैंने सोचा भी नहीं था कि आपको इतना म्यूजिक सेंस है। चने के झाड़ पे मत चढ़ा और गाना चालू कर। भगवान की कृपा से आज तक ओरिजिनल धुन बनाने की नौबत ही नहीं आई, आज आ गई। अचानक ऐसे नहीं सोच सकता सर, आज सोचना पड़ेगा। मुझे और मत मारिए सर। याद आया, असल में मैंने म्यूजिक डायरेक्टर बनते ही एक धुन बनाई थी सर, जो मैंने आज तक किसी को नहीं सुनाई। सुनने लायक थी नहीं। आज मैं वो आपको समर्पित करता हूँ सर। चल फाड़ गला। ना जा यूं मुझको छोड़ के, ना जा बीमार का दिल यूं तोड़ के, ना जा सब कुछ लुटाया मैंने, तुझको पटाया मैंने, चाहत में तेरी जाना सबको भुलाया मैंने, लुट जाऊंगा प्यार में रब्बा, हो जाएगा मेरा मुरब्बा, लुट जाऊंगा प्यार में रब्बा, हो जाएगा मेरा मुरब्बा, लुट जाऊंगा प्यार में रब्बा। क्या हुआ सर? इस गाने का ना कोई राग है ना कोई इसका सुर है, एकदम बेता लगा रहे हो। एकदम बेता लगा रही हो। तकड़े तकड़े ता 2 4 तकड़ी में 6 8। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी फिल्मों का म्यूजिक गिरता जा रहा है। हमारे फैंस तुम्हें एकदम टॉप पर देखना चाहते हैं और तुम हो के गिरते ही जा रहे हो। सर बिल्कुल समझ गया, आप लोग मेरे पंखे नहीं हो सर, उसके पंखे हो। कितने समझदार हो तुम, 4-5 थप्पड़ों में एकदम सर। बात दिमाग में बढ़ी ना? छप गई सर। तो फाइनल्स में उस लड़की को आप आगे कुछ मत कहिए सर, बस अब टीवी पर देखिए। वेरी गुड, जल्दी ऊपर जाएगा। इतनी जल्दी ऊपर नहीं, नीचे ही ठीक हूँ। वो तो तेरे चाल चलन पे डिपेंड है। यही आपके एक्शन का रिएक्शन था सर। अरे सुनो, ये तुम्हारे पेमेंट की रसीद, क्रेडिट कार्ड का बिल रघु भाई ने चुका दिया है। दोबारा कर्जा हुआ तो भाई तेरी दोनों टांगों को 4 बना डालेगा। ठीक है सर। अरे ये यहाँ पर कैसे? मैडम आप वो सोनांजलि प्रोग्राम के सेमीफाइनल वाली शिवानी है ना? लोग मुझे पहचानने लगे हैं। जी हाँ। पर आज तो आपका फाइनल है ना, फिर यहाँ पर कैसे? मैं भाग नहीं ले रही हूँ। भाई भाभी प्रोग्राम में नहीं गई तो फिर हाँ बेबो। हे, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? आप तो शिवानी जी, वो सिंगर। हाँ हाँ, आप भी मेरे फैन हैं क्या? और ऐसा वैसा नहीं, बहुत जबरदस्त फैन हूँ। मैंने इतने एसएमएस भेजे कि बिल नहीं भर सका और मेरा आउटगोइंग ही बंद हो गया। लेकिन वो प्रोग्राम तो वहाँ स्टार्ट होने वाला और आप यहाँ शॉपिंग कर रही है। जल्दी चलिए प्लीज। ओफो, मैं अपने फैंस को जवाब दे देकर थक गई हूँ। मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ। अंडरस्टैंड? गुरुजी, मैं जय सूर्या। प्रोग्राम शुरू होने वाला है और वो लड़की अभी तक नहीं आई। मालूम है। बताइए मैं क्या करूं सर? प्रोग्राम डिले कर दे। अरे 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 अरे, जरा आराम से चलो भाई, इतनी जल्दी क्या है? इस तरह कहाँ भागे जा रहे हो? वो क्या है ना सर, शिवानी मैडम के टीवी प्रोग्राम का टाइम हो गया है और मुझे उन्हें सुनना है। यानी कि मेरी तरह तुम भी उनके फैन हो? हाँ सर, पर अगर आप उनके फैन हैं तो टीवी पर उनका प्रोग्राम क्यों नहीं देख रहे हैं? उनके फैंस के लिए बुरी खबर है। तो वो क्या है? वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। नहीं, मैंने कितनी मन्नतें मांगी। एक पैर पर खड़ा होऊंगा, गायत्री मंत्र का जाप करूंगा, नंगे पैर बद्रीनाथ की यात्रा पर जाऊंगा, पर लगता है अब मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए गाएंगी। तुम टेंशन मत लो, आराम से घर जाओ, समझे? आराम से घर जाओ, जाओ जाओ। थैंक यू। What is this? कोई गाना था ये? क्या लिरिक्स है? मकम्बरंजिश, ये कोई कचुम्बर है? इसको तो लात और घूसों की पार्टी देनी पड़ेगी। अरे लाजवाब, फैंटास्टिक। गाने की ये गाना उसी सेमीफाइनलिस्ट ने गाया है, ये तो साक्षात माँ सरस्वती ने गाया है। Give her a big hand. Thank you sir. Okay. ये मेरी जीत नहीं है, उन फैंस की जीत है जिन्होंने मुझे यहाँ आने की प्रेरणा दी। बिल्कुल, भाई नहीं होता तो तुम कैसे जीती? चुप है। सॉरी। जिस तरह मैं अपने सारे फैंस की रिक्वेस्ट पर यहाँ आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरी एक रिक्वेस्ट माने और ब्लड डोनेशन जैसे अच्छे काम शुरू करें। ये कैसे? इसने कहा तो करना पड़ेगा। मामा, जो लड़का आ रहा है आपने उसकी छानबीन कर लिया ना? मंत्रालय वाले गोपाल राव ने सिफारिश की है। अच्छा? अब अगर तुम जासूस की तरह किसी में बुराइयाँ ढूंढोगी तो वो तो हर इंसान में मिलेगी। किसी के साथ मचमच मत करना, एकदम प्यार से यार। मेरी नजर में शादी एक पान की तरह है, कत्था चूना सही हो तो जिंदगी में खुशियों के रंग और महक भर जाती है, नहीं तो वो सुपारी की तरह दिल भी कट जाते हैं, है ना? वैसे एक बात बोलूं, मुझे तो उस लड़के की चिंता है जिससे तेरी शादी होगी। आप चिंता मत कीजिए, मेरी बेटी सब संभाल लेगी। वेलकम। जी मैं जानता हूँ, अंदर आओ ना, बैठो बैठो। मामला सेटल कर दीजिए ना अंकल, और कितने चक्कर कटवाएंगे? अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मंत्रालय वाले गोपाल राव ने जो सिफारिश की है, तुम हमें बहुत अच्छे लगे। एक दूसरे को देख लो, फिर हाँ हुई तो पी 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 हो जाएगी। पी 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 पी। मैं यहाँ कोई लड़की देखने आया हूँ। आप यहाँ? हाँ जी हाँ। तुम इन्हें जानती हो बेटी? हाँ मामा जी, ये तो मेरे बहुत बड़े फैन है। वैसे नाम क्या है आपका? सर, आपने इनको मेरा नाम नहीं बताया। बताया था बेटा, शायद भूल गई। इनका नाम है शरद कुमार। ओह, काम क्या करते हैं? आपने ये भी नहीं बताया। बताया था, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कहाँ पर? सर, आपने इन्हें कुछ भी नहीं बताया। सब बताया था शरद बेटा, ये टाटा इंडिकॉम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पर सर, है। आप इन्हें कुछ मत बताइए, मैं सब कुछ बताता हूँ। मंत्रालय वाले गोपाल राव जी ने कहा है कि मैं टाटा इंडिकॉम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पर हूँ और मेरा नाम शरद है। क्यों ना हम कुछ वक्त के लिए फ्रेंड्स बन जाएं? तभी हमें हमारी अच्छाइयों और बुराइयों का पता चलेगा। जब हम एक दूसरे की अच्छाइयों और बुराइयों को समझ लें, देन वी विल थिंक ऑफ मैरिज। ये तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। हेलो, जी हाँ, ठीक है, हाँ मैं भर दूंगा। क्या बात है मामा जी? क्रेडिट कार्ड वाले हैं बेटी, जब तक हम कार्ड खरीद ना लें प्यार से बात करते हैं, और जहाँ एक पेमेंट मिस हुआ कि धमकियाँ देना शुरू। गुंडे भेजते हैं आजकल वसूली के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। लगता है बारात आ गई, क्या करूँ? सर आप टेंशन मत लीजिए, उनसे डील मैं करता हूँ। तुम रहने दो, मैं संभाल लूंगा। आप रुकिए ना सर, मैं सब लेके दूंगा। थोड़ा तो, लेकिन तुम क्या करोगे? मिस्टर शरद, उन्हें जाने दीजिए, ये मामा जी का रोज का खेल है। इट्स माई रूटीन। आप बैठ जाइए। मैं शरद। तुम शरद हो या सर का दर्द, मुझे क्या? सर मैं वो। मैं जानता हूँ तुम कौन हो। चलो चलो जाओ यहाँ से। लेकिन मुझे आप ही ने बुलाया था। तुमको मैंने ही बुलाया था ना, अब मैं ही तुमको बोलता हूँ जाओ। पर अंकल इतने गुस्से से क्यों बात कर रहे हैं? तुझे क्या करना है? मैं ऐसे ही बात करूंगा। क्या कर लेगा तू? ठीक है, मैं मंत्रालय जाके सबको बता दूंगा। मैं एक मिनट में आया। तुम समझते हो मैं मंत्रालय के नाम से डर जाऊंगा? सेक्रेटेरिएट गोपाल राव मेरा जिगरी दोस्त है। आपके तो सिर्फ वो दोस्त है, मेरे तो रिश्तेदार हैं। आप समझते हैं क्या? अपने आप को धमकी किसे दे रहा है? क्या इन्हें जेल में चक्की पिसवाएगा? घर पर तुम यहाँ से जाते हो या नहीं? अंकल आप अंदर जाइए, मुझे गोपाल राव दे रहा है। चलिए यहाँ से अंकल, आप अंदर जाइए। अरे मेरी बात तो सुनो, मुझे उस बुड्ढे से कहना है कि मुझे गोपाल राव जी ने उसकी लड़की देखने के लिए भेजा। उन्हें मत बताना। क्यों 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 क्यों? कभी किसी से प्यार किया है? किया होता तो यहाँ थोड़ी ना आता। मुझे हुआ है। किससे हुआ है? जैसे तुम देखने आए। वो भी तुम्हें लव करती है। वो मुझसे लव करती है, इसीलिए तो तुम बाहर और मैं अंदर हूँ। करेक्ट है, पर अब मैं क्या करूँ? तुम कुर्बानी दे दो। अरे मैं क्यों दूँ? किसके लिए दूँ? भाई मेरे लिए दो। अरे पर तुम हो कौन? अभी पता चलेगा। पेमेंट नहीं करेगा? क्या बोल रहा था वो बदमाश? मैंने उसे समझा दिया कि जहाँ वेडिंग कार्ड छपने वाले हो वहाँ क्रेडिट कार्ड की बात नहीं करते। थैंक यू बेटा। बेटा कहती हो तो थैंक्स क्यों आंटी? आप इतनी जल्दी रिश्ता मत जोड़िए प्लीज, अभी तो सिर्फ फ्रेंडशिप शुरू हुई है। मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, हमारे इस फ्रेंडशिप के एंगल में कोई ट्रायंगल तो नहीं है ना? नो नो नो, एक टाइम पर सिर्फ एक ही से फ्रेंडशिप, तभी तो हम एक दूसरे को पूरी तरह समझ सकेंगे। ठीक कहा ना? क्यों और खाएगा? नहीं पेट भर गया। तेरे भेजे में बात उतरी क्या? उतरी नहीं, छप गई भाई। क्या छपा तेरे भेजे में? गया था लड़की को प्रपोज करने, बन गया पंचिंग बैग। खुद को अच्छी तरह पहचान लिया, पंचिंग बैग की हवा निकल गई। ज्ञानेश्वर जी, आप जैसों के गोद में लड़कियाँ और हाथ में गन होनी चाहिए, पर आप तो हाथ में पेंटिंग ब्रश लिए बैठे हैं। तुम चाहते हो कि मैं फिल्मी विलन की तरह बैठकर लोगों को शूट करूं? पेंटिंग तो मेरा शौक है। यमराज के हाथ में फूल देखकर अजीब तो लगेगा ही। मैंने गलत कहा? बकवास बंद करो और बता काम क्या है। क्या बताऊं भाई, मैं 3 रातों से सोया नहीं हूं। तो क्या मैं लोरी गाऊं? हाँ, एक कलाकार का दिल कितना नाजुक होता है, ये आप जैसा कलाकार ही अच्छी तरह जानता होगा। एक तुम्हारे जैसा गुंडा, एक दो टके का आदमी मेरे स्टूडियो में आकर मेरे स्टाफ के सामने मुझे जलील कर गया। हाँ जलील भी और काला पीला नीला भी। करते क्यों? अरे बॉस शर्मा मत, डॉक्टर और भाई लोग से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए, अंदर की बात भी नहीं। अबे तू चुप होने का क्या लेगा? तू चुप होगा तो ही मैं बता पाऊंगा ना। बोलिए। हाँ तो भाई यही सब हुआ था। तो मुझसे क्या चाहते हो? आप उसे अच्छा सबक सिखाओ। मैं नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, इसलिए कोई कंसेशन नहीं चाहता। आपका जो भी मार्केट रेट है वो चार्ज करो, पर उससे किस तरह मारना है मैं बताता हूँ सर। उसे वैसे ही मारना जैसा उसने मारा था। अबे उसने कैसे मारा था ये मुझे कैसे मालूम होगा? मैं किस लिए हूँ सर? ऐसी पिटाई मैंने लाइफ टाइम में कभी नहीं देखी, जैसे शिवा मलिक का ड्रम हो, जाकिर हुसैन का तबला हो, जैसे प्रीतम के गाने में नगाड़े बजते हो। थप्पड़ खाओ गाना सुनाओ, थप्पड़ खाओ गाना सुनाओ। और यही नहीं सर, उसने तो फुल पिक्चर बताने के बाद अब भी स्टोरी बाकी है। सिर्फ एक लाइन बाकी है सर, सारे इंस्ट्रूमेंट इनके ऊपर ही बजा डाले। अरे समझ गया भाई समझ गया, तुम्हें उसकी वैसी धुलाई करानी है जैसी तुम्हारी हुई थी, ठीक है ना? हाँ भाई। तो बता कौन है वो? रघु रोकड़ा। मुझे मेरे आदमियों के खिलाफ भड़का रहा है। अबे फटे हुए ढोल, तू मेरा धंधा चौपट करना चाहता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कैसे चाह सकता हूँ सर? 3 घंटों से एक ही पोज में खड़े खड़े मेरी कमर अकड़ गई है। मैं बाप थोड़ा लेट जाऊँ क्या? लेटिए मां सर, नहीं तो ये आपको लेटा देंगे। अरे मुर्गे से ज्यादा अंडा चिल्ला रहा है। तू कलाकार है इसलिए तुझे खड़ा करके तेरी पेंटिंग बना रहा हूँ। अगर ज्यादा बक बक करेगा ना तो मैं तुझे उल्टा लटका कर पेंटिंग बनाएंगे सर। नहीं, बॉम्ब लगा दूंगा तेरे नीचे। चलो अभी आकर देख ले, तेरी फोटो बन गई, दिल खुश हो जाएगा तेरा। देखिए। मुझे क्या देख रहा है बे? फोटो को देखना, साला एकदम निंजा टर्टल की तरह दिख रहा है। अरे तूने दुनिया भर का सोना पहन रखा है और क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर रहा है। मैं बिजली का बिल नहीं भरता, पागल हूँ जो क्रेडिट कार्ड का भरूंगा। देखो तुम लोगों ने ज्यादा कुछ किया तो पुलिस कंप्लेंट करूंगा कि तुम मेरे घर में घुसे थे। पुलिस कंप्लेंट करेगा, पुलिस कंप्लेंट करेगा। निकाल इसका सोना। अरे रुको रुको, अरे क्यों मार रहे हो बेचारे को? प्लीज मत मारो। अरे क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो क्या मार दोगे? अरे भाई अहिंसा ही मानव का धर्म है। आप कहो तो बिल मैं भर देता हूँ। दीजिए इनका सोना वापस। चलिए सर, आप अपना सोना लीजिए और जाइए। थैंक यू सर। शिवानी जी आप, शिवानी जी आप यहाँ कैसे? मंदिर जा रही थी, आपको देखकर रुक गई। अरे वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं भी वही जा रहा था पर ये सब देखकर रुक गया। मैं हर शनिवार को मंदिर जाता हूँ, साथ में चलते हैं। क्या हुआ, रुक क्यों गई? वो वहाँ मेरे फैंस को मार रहा है। हाँ? भाई, भाई। वो दोनों तुम्हें भाई क्या कह रहे हैं? शहर के शरीफ लोग दूसरों को भाई कहकर ही बुलाते हैं। आप यहीं रुकिए। रुकिए, इन्हें मत मारिए। कौन होता है मुझे रोकने वाला? आप ही के जैसा एक इंसान है। चल तुम्हारी भाभी हमें देख रही है, इसको बाद में देख लेंगे, अभी चुप रहो तुम लोग। सर 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 प्लीज मेरी बात सुनो, हड्डियां तोड़ दूंगा तुम्हारी मैं। अरे सर रखती रखिए, इस एरिया में दोबारा कदम रखा ना तो पांव तोड़ के हाथ में थमा दूंगा। पैसे चाहिए इनको। हाँ शिवानी जी आप चोट तो नहीं लगी ना? पिटाई हुई तो चोट तो लगेगी ना, पर इन भाई साहब ने हमें बचा लिया। अरे मैंने नहीं, आपको इन्होंने बचाया, आप इन्हें ही थैंक्स कहिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। उसने बिना वजह आपके ऊपर हाथ उठाया, फिर भी आपने उसे छोड़ के दिया। देख लेना रात को जरूर पछताएगा वो। और वैसे भी गांधी जी ने कहा था ना, कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल धर दो। हम वैसा तो नहीं कर सकते, पर जिसने मारा है उसे ना मारकर गांधी जी की आत्मा को शांति तो पहुँचा सकते है ना। ये रघु रोकड़ा पे हाथ उठाएगा। टोटल 10 लाख हुए भाई, ये पैसे ले जाके अंदर रख। ठीक है भाई। क्या हो रहा है भाई, तुम्हारे आदमी ने मुझे इतना मारा, अब तो छोड़ दो मुझे। मेरे छोकरे लोग की बॉक्सिंग प्रैक्टिस अभी खत्म नहीं हुई है, जब खत्म हो जाएंगी छोड़ देंगे। नहीं भाई मत छोड़ दो। हेलो मैं बोल रही हूँ शिवानी। हेलो शिवानी जी क्या बात है? जी कुछ नहीं, बस आपसे मिलना चाहती थी। अच्छा तो बोलिए कहाँ मिलते हैं? ऑफिस छोड़कर आप मुझे मिलने मत आइए, आप वहीं रहिए, मैं ही आपके ऑफिस आ जाती हूँ। ठीक है आ जाइए, बाय। क्या बात है, बहुत खुश हो रहे हो? शिवानी आ रही है यहाँ पर? नहीं ऑफिस में। किसके ऑफिस में रघु? यानी कि वो शरद के ऑफिस में जाएगी। ओ मैडम ये शरद कहाँ है? कौन शरद? अरे वही जो भैंस के बच्चे जैसा दिखता है। वहाँ उस कैबिन में। क्या रे क्या चल रहा है? अरे मर गया। अपना कोट निकाल। पर तुम्हें मेरा कोट क्यों चाहिए? अबे उतारना। देख तो मेरे को मिलने आया था क्या? आपसे मिलने यहाँ पर कोई क्यों आएगा? बोला था ना जब भी तेरी जरूरत पड़ेगी तो तेरे पास आऊंगा। सर कीज मत दबाइए, सारी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। ज्यादा किटकिट मत कर, मैं शरद हूँ, मेरे को सब मालूम है। तो मैं कौन हूँ? हाय शरद। हाय हाय हाय। नहीं प्लीज काम। शरद ये कौन है? तुम ही गेस करो। तुम्हारा पीए? बिल्कुल सही पहचाना। वैसे तुम्हारा जॉब एग्जैक्टली है क्या? अरे बकना, सिस्टम एनालिस्ट विद डेटाबेस कम्युनिकेशन स्किल्स। मैडम ने मुझसे पूछा या तुमसे, जाके टी कॉफी कुछ ऑर्डर करो मैडम के लिए। हे मिस्टर, मैंने 2 दिन पहले कहा था कि मेरे लैपटॉप में वायरस आ गया है, आज क्लाइंट आने वाले हैं, उन्हें प्रेजेंटेशन देने का इरादा है या नहीं बाबा? शरद वो तुम्हारे बजाय तुम्हारे इस पीए से क्यों बात कर रहे हैं? हम एक दूसरे से बात नहीं करते, इसीलिए वो पीए को बोल रहा है। कोई प्रॉब्लम है? ईगो प्रॉब्लम। कुछ कहूँ तो रिश्ता जमाने के बहाने तुम छुट्टी पे चले जाते हो। क्या समझ रखा है तुमने, ये ऑफिस है या कॉफी हाउस है? तुम्हारा ड्राइंग रूम कौन है ये लोग? फ्रेंड। तुमसे किसने पूछा, तुम क्यों जवाब दे रहे हो? मैं जानता ही था, मैं जानता था आप यही कहेंगे। कहिए सर कहिए, तुम कौन हो, तुम्हारी पोजीशन क्या है, इस कुर्सी पर तुम क्यों बैठे हो? अब ये भी पूछेंगे कि ये लड़की कौन है? एग्जैक्टली कौन है ये लड़की? सर प्रॉब्लम्स हमारे बीच में, इसमें दूसरों को मत घसीटिए। ये पूछना कि ये लड़की कौन है, इसकी इंसल्ट है सर। ये कोई लॉर्ड गवर्नर या मिनिस्टर है? नहीं ये गवर्नर या मिनिस्टर नहीं, ये तो सेलिब्रिटी है सर। नहीं ये लेडी सेलिब्रिटी है सच में। किस फील्ड में? म्यूजिक। शिवानी जी ग्रेट सिंगर है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये लता मंगेशकर है, मैंने तो इसका नाम तक नहीं सुना। शिवानी जी आप बुरा मत मानिए, ये आदमी थोड़ा बदतमीज है। मिस्टर आप मेहनत करके इस कंपनी के सीईओ तो बन सकते हैं, पर सिंगर नहीं। तुम जैसे बदतमीजों से बात करने में मुझे शर्म आती है। मेरे ऑफिस में मेरी इंसल्ट तो मैंने शुरू भी नहीं की है। आप बदतमीज लड़की है। आप गुस्सा थूक दीजिए पर इसके मुंह पर नहीं। चलिए मैं आपको डस्टबिन बताता हूँ। अबे शरद तू सड़क छाप लोगों को मेरे ऑफिस में लाके उनसे मेरी इंसल्ट करवाता है। मेरा उसका कोई कनेक्शन नहीं है सर। कनेक्शन नहीं है तो वो तुम्हारे कैबिन में तुम्हारा कोट पहन कर तुम्हारी कुर्सी पर कैसे बैठ गया? कुर्सी तो छोड़िए, वो मेरी कुंडली में बैठ गया। शिवानी जी आप क्यों परेशान? छोड़िए शरद जी, वो इतना चिल्ला रहा था लेकिन आपने उससे फिर भी कुछ नहीं कहा। लड़ना मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं, पर शराफत की भी कोई हद होती है, लोग इसका फायदा उठाते हैं। भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए, आपको मारने के बाद मैं कल रात भर पछताता रहा। आप मुझे माफ कर देंगे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। भाई साहब पछतावे से बढ़कर कोई प्रायश्चित नहीं है। देखिए आप में कितना बदलाव आ गया है, मैं भी यही चाहता था। अब किसी को मत मारिएगा। मारूंगा भाई साहब। मैडम शिवानी जी मेरी पूरी फैमिली आपकी बहुत बड़ी फैन है, मेरी दुआ है की आपको इन भले आदमी जैसा पति मिले। चलता हूँ मैं। अनबिलीवेबल मिस्टर शरद, आपका ये फॉर्मूला तो बिल्कुल हिट है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने तो गांधी जी के उपदेशों का ही पालन किया है। बाय द वे आप मुझे ये बताएंगी कि हमारी ये फ्रेंडशिप की शिप कहाँ तक पहुँची है? शादी के मंडप तक पहुँच चुकी है। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया शिवानी। गाने का कंपटीशन जीतकर तुमने फुल क्रेडिट अपने सारे फैंस को दे दिया, इस बड़े भाई के बारे में तुमने कुछ नहीं कहा। अगर मैं आपको क्रेडिट देती तो सबको हमारे रिश्ते का पता चल जाता ना। वाह शिवानी, तुम तो कितनी दूर तक की बात सोच लेती हो। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। अगर तुम सोच पाते तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाते। मोटा बोला। मामा जी, मामी। बोलो बेटा। मेरी छोटी बहन का ख्याल रख रहे हैं ना? ये हमारी अपनी औलाद न सही, लेकिन मेरे लिए तो उससे बढ़कर है। बाय द वे, आपकी ये पेंटिंग की ट्रेनिंग कहाँ तक पहुँची? मास्टर जी की कृपा से पेंसिल से ब्रश तक पहुँच गया हूँ। इस स्टेज तक पहुँचने के लिए प्राइमरी स्कूल के बच्चों को 2 हफ्ते लगते हैं, लेकिन इनको तो सिर्फ 2 साल ही लगे हैं। मास्टर जी, मेरी छोटी बहन आई है इसलिए दिल नहीं लग रहा। आज पेंटिंग से छुट्टी दे दीजिए ना। तूने दुनियादारी के बदलते रंग देखे? जब लोग मेरे पास प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं तो मुझे भगवान कहते हैं, अपने सगे बेटे की तरह मानते हैं, पर जब मैं घर बसाने की बात करता हूं तो कोई मुझे अपनी बेटी देने को तैयार ही नहीं होता है। मुझे गुंडे की औलाद कहते हैं। अब तो शादी की उम्र भी निकल गई। चलो कोई बात नहीं, कहीं तेरे साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए मैंने तुझे मामा के यहाँ भेज दिया। तो कोई लड़का पसंद आया तुझे? हाँ पसंद आया है। अरे कौन है वो बताना। बचपन से मैं जिस तरह के लड़के के बारे में सोचती थी ना, मुझे बिल्कुल वैसा ही लड़का मिला है, और ऊपर से वो मेरा फैन भी है। नाम है शरद, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अरे तो फिर उससे जल्दी यहाँ बुला लो, बजवा देते हैं बैंड बाजा। हाँ, यहाँ हार्ट अटैक आ जाएगा उसे। बाप रे, वो हार्ट पेशेंट है क्या? नहीं भैया, वो बहुत शरीफ आदमी है। मैंने उससे अपना फैमिली बैकग्राउंड बहुत मुश्किल से छुपाया है, असलियत पता चली तो भाग जाएगा। ऐसा क्या? तो फिर क्या करें? आप उसकी फिक्र मत करो भैया, मेरे दिमाग में एक बढ़िया प्लान है। क्या भाई, ये सुबह सुबह सूट बूट पहनकर कहाँ जा रहे हो? शिवानी की फैमिली ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, वहीं जा रहा हूँ। ओह हेलो रघु सर, मैं शरद बोल रहा हूँ। कौन शरद? वही जो भैंसे के बच्चे की तरह दिखता है। अरे तुम बोलो बच्चा। अब आपको क्या बोलूँ सर? तो फिर मत बोल। नहीं बोलता हूँ। आपने मेरा नाम यूज किया तो मैंने आपका नाम यूज कर लिया, तो रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट सर पैसे। मालूम मैं कौन हूँ? नहीं मालूम। ईस्ट साइड कोहिमा, वेस्ट साइड कंडला, नॉर्थ साइड कश्मीर, साउथ साइड कन्याकुमारी, ऑल साइड मिलाकर इंडिया बनता, जहाँ का बच्चा बच्चा रघु रोकड़ा को जानता। अब रघु रोकड़ा? यस। अब कुछ वो भी चाहिए ले चाहिए। जरूरत पड़ी तो वापस आऊंगा। हाँ, बाल बच गए। शाबाश मेरे शेर, तू बिना खटके मेरा नाम यूज कर। वही तो कर रहा था सर। साहब पैसे साहब। मालूम मैं कौन हूँ? आपको क्या पता? ईस्ट साइड कोहिमा, वेस्ट साइड कंडला, नॉर्थ साइड कश्मीर, साउथ साइड कन्याकुमारी, ऑल साइड मिलाकर इंडिया बनता, जहाँ का बच्चा बच्चा रघु रोकड़ा को जानता। रघु रोकड़ा है? यस। साले। ए चल हाथ हटा। तू है कौन? कालाचौकी का इंस्पेक्टर हूँ। मेरे साले ने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा, तूने उसे पकड़ के मारा। चल। जहाँ शहद होता है वहाँ मधुमक्खी भी होती है, तू एडजस्ट कर ले। वही कर रहा हूँ। आप मुझे एक फेवर कर दोगे? चल फेवर बोल। ये लोग चाहते कि मैं रोज पुलिस स्टेशन आकर आपका साइन करूं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर मैं जाली साइन किया तो फिर से मेरी बैंड बजा देंगे। तो तू ही बता मैं क्या करूं? आप यहाँ आकर इंस्पेक्टर को बता दीजिए कि आप ही असली रघु रोकड़ा हैं, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हेलो 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 हेलो, अभी तक तो क्लियर सुनाई दे रहा था। मोबाइल वाले को कंप्लेंट कर, मेरे को क्यों बोल रहा है? पर उसका मोबाइल कौन सा? भाई अगर असली शरद आसपास रहा तो सारा भांडा फूट जाएगा। उसे उड़ा दे क्या? चुप है। मौका दे के मैं शिवानी को सच बता दूंगा। ठीक है भाई। पता नहीं यार, ये क्या है? हम तो दुनिया की तरह गोल गोल घूम रहे हैं। गोल गोल घूमेंगे या अंदर भी जाएंगे? सर यहाँ से अंदर आइए। अबे येड़ा समझा क्या? चल। How dare you? भैया आप हो? पहचान नहीं पाई ना? आप तो सच में पक्के बिजनेसमैन लग रहे हो। आप डरना मत दीदी, अगर उसने ना कहा ना तो हड्डी तोड़ के हाँ करवाएंगे। मुच्छर कहीं का, मुंह खोला तो तेरी जबान खींच लूंगी। शिवानी, शरद कुमार कहाँ है? चल आगे से यू कर ले, पर मेरे को सीधा जाना है। मुंह बंद रख और जो बोला है वो कर। मैं एक इम्पोर्टेंट काम से जा रहा हूँ, तुम्हें काम क्या है ये बताओ। ज्यादा होशियार मत बन। किंग कौन? किंग किधर का किंग? चल गाड़ी होगा। गाड़ियाँ कहाँ से आ गई? अरे गर्लफ्रेंड की फैमिली वहाँ मेरा इंतजार कर रही है, मुझे जाने दो। भाई पकड़ लिया उसे। वेस्ट साइड कंडला, नॉर्थ साइड कश्मीर, साउथ साइड कन्याकुमारी, ऑल साइड मिला के इंडिया बनता, जहाँ का बच्चा बच्चा रघु रोकड़ा को जानता। बीच में ये किंग कहाँ से टपका? ए किंग, उड़ा डालो इसे। क्या बात है, अभी तक नहीं आया? ट्रैफिक में किसी से झगड़ा तो नहीं कर बैठा? झगड़ा झगड़ा हो तो वो खुद ही पिट जाएगा। एक बात बताऊं आपको, वो खून देख लेना तो वहीं के वहीं बेहोश हो जाएगा। अरे बाप रे बाप। अगर रॉन्ग नंबर लगता है तो सॉरी बोल के फोन रख सकते हो, लेकिन अगर रॉन्ग आदमी को छेड़ोगे तो सॉरी बोलने के लायक भी नहीं रहोगे। ये शरद भी ना। ओ आ गया। यू आर लेट। मेरे भैया कब से इंतजार कर रहे हैं। भैया? हाँ, भैया के सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं। उन्होंने ही मुझे पढ़ाई के लिए मामा के पास भेजा था। तुम्हारे भाई साहब करते क्या है? हार्डवेयर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। चलो तुम्हें उनसे मिलवाते हैं। भैया भैया, ये है शरद, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। शरद, ये है मेरे भैया ज्ञानेश्वर, हार्डवेयर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसमैन। यार ये तो भूकंप से भी बड़ा झटका है। बातचीत से तो एकदम मदर टेरेसा लग रही थी, लेकिन ये तो हिटलर की बहन निकली यार। वो तो ठीक है, पर आप वहाँ से निकले कैसे? बताता हूँ भैया, ये है शरद, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। शरद, दिस इज माय ब्रदर ज्ञानेश्वर, हार्डवेयर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेसमैन। हाउ डू यू डू? क्या रे रघु रोकड़ा, शरद बनकर तू मेरी छोटी बहन को उल्लू बना रहा है। हाँ, आप किससे बात कर रहे हैं? अबे तुझसे बात कर रहा हूँ। मुझसे? तुझसे रघु रोकड़ा। भैया ये क्या कह रहे हो? इनका नाम रघु रोकड़ा नहीं शरद है। अभी पता चल जाएगा कि ये शरद है। शरद, शरद। अरे शिवानी, ये मेरे लिए 10% पर काम करने वाला रघु रोकड़ा है, कोई शरद वरद नहीं है ये। शरद, ये आप क्या कह रहे हैं भैया? इसे मामा जी के दोस्त गोपाल राव जी ने भेजा था। मैंने इसका ऑफिस देखकर इसके 100 टेस्ट लेकर इसे चुना और आपने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। अगर किसी लड़के को पता चल गया कि मैं आपकी बहन हूँ तो कोई पढ़ा लिखा लड़का मुझसे शादी नहीं करेगा। इतने दिन में ये जताती रही कि मुझे गुंडों से नफरत है। कितनी मुश्किल से पटाया था और आपने सब गड़बड़ कर दिया। खानदान गुंडों का और बातें गांधीगिरी की। इसके मुँह पे पानी मारो और जगा इसको। शरद, आई ओके? आपने तो कहा था कि ये हार्डवेयर बिजनेस में है, तो ये गन क्यों? और ये रघु रोकड़ा कौन है? शहर का मशहूर गुंडा है। एकदम आपका डुप्लीकेट। पर ये गन क्यों? यू नो भैया एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और इसलिए उन्हें हमेशा जान का खतरा रहता है, तो सिक्योरिटी के लिए गन रखी है। ये खतरे, ये गन्स, मैं कुछ समझा नहीं। और समझ भी मत, हार्डवेयर बिजनेस वालों के साथ मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, मुझे वहाँ जाना है। चलो रे। अरे सॉलिड आइडिया है उसका। क्या बात कर रहे हैं? नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते। रघु कहाँ है? जी 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 भाई। जी जी क्या कर रहा है बे? कहाँ है वो? वो सो रहे हैं। वो कोई राजा महाराजा जो अभी तक सो रहा है। जगाओ साले को। उन्हें मत उठाइए क्या भाई। नहीं उठ उठ। खाना नहीं खाया क्या बे? खींचो से। साले कौन है बे? ज्यादा चर्बी। पार्टनर तू यहाँ तू अपनी कमीशन लेने के लिए आया क्या? नहीं कंफर्म करने आए थे। क्या कंफर्म करने? तो चुप बैठ यार। रघु तू रात 10:30 बजे किधर था? कालाचौकी पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में? क्रेडिट कार्ड की वसूली में एक एसीपी के साले को धमकी दे डाली, इसलिए रात भर लॉकअप की हवा खा रहा था। अच्छा हाँ। एसीपी रमेश को फोन लगाओ। हाँ भाई। हाँ रमेश, तूने किसी रघु रोकड़ा को अंदर किया था क्या? खाली अंदर नहीं किया, ऐसी जगह मारा है कभी बैठ नहीं पाएगा। मेरे साले को मारता है साले। ये रे इनफ रे। अच्छा ये बता कि तूने उसे वहाँ से कितने बजे छोड़ा? मैंने उसे ठीक 10:45 पे छोड़ा भाई। पक्का ना? 100%। अरे रघु पूरी रात जब उन लोगों ने लॉकअप में तेरी पुंगी बजाई तब तूने उनको ये क्यों नहीं बताया कि तू ज्ञान भाई का आदमी है? तेरे को लगता है ऐसा करके वो जिंदा बचेगा? जबरदस्ती का बोल वचन दे रहा है। समझ में नहीं आ रहा किस पे भरोसा करूँ, उस पे या इस पे। चलो रे चलो निकलते हैं। फिर मिलते हैं रघु भाई। बच गए। ये साला इन दोनों की शक्लें इतनी मिलती जुलती कैसे हैं? अरे मैं बताता हूँ ना भाई। पता है दशहरे वाले दिन मैंने टीवी पर एक पुरानी फिल्म देखी थी, उसमें एक बहुत बड़ी रॉयल फैमिली थी भाई। उस फैमिली में बहुत टाइम के बाद किंग क्या ट्विंस होते हैं। ये ट्विंस क्या होता है? बच्चे भाई। अबे अंग्रेज गए तुझे छोड़ गए। हिंदी बोल। उनके जन्म की खुशी में एक पार्टी होती है, तब एक तूफान आता है और सबको बहा ले जाता है। आगे की स्टोरी मुझे मालूम है। 2 बच्चों में से एक टिंगू नरसिम्हा को मिला जो रघु रोकड़ा बन गया, और दूसरा अच्छे परिवार में पला जो मेरी बहन को पसंद आ गया, और वो है शरद। बिल्कुल सही भाई। हाँ भैया। जरा मुझे शरद का एड्रेस तो दे। अरे उसे कमीना रघु रोकड़ा समझकर मैंने उसकी इज्जत का भाजी पाला कर डाला। जाकर उससे माफी मांग लेता हूँ। लंच टाइम पे कौन आ गया? नौकरी से निकलवाकर पेट नहीं भरा जो घर चलाए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरा नाम और मेरा पीछा छोड़ दीजिए। दुनिया में तू ही एक शरद है क्या? रघु रोकड़ा भी तो दो है ना, इसलिए तो दूसरे को पुलिस स्टेशन में रात भर जूते और डंडे पड़े। अरे शरद कौन है? मैं समझा यहाँ तो अकेला है, लेकिन यहाँ तो पूरा डेली सोप है। बिल्कुल सही सर, ये दोनों मेरी लाइफ में एपिसोड नंबर 1 से हैं। लेकिन अब इनका क्या करूँ? कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी दादी माँ अंधी और दादाजी सुन नहीं सकते। ये तो बड़ी काम की फैमिली। दादी की आँखें नहीं, दादा के कान नहीं, और तेरे पास भेजा नहीं। ये फैमिली आप ही के लिए बनी है सर। अरे बाबा ये सब कौन लोग हैं? फ्रेंड्स। मेरा नाम शरद है। अच्छा। ओहो, इस लल्लू की तरह तुम भी शरद हो। वैसे तुम सब फ्रेंड्स यहाँ क्यों आए हो? शरद को देखने के लिए लड़की का भाई आपके घर पर आ रहा है। अच्छा अच्छा। ओह नो, वो जब जब तुम्हें देखने आएंगे तुम यहाँ घुस आओगे। अरे लल्लू सुन। दादी लल्लू यहाँ। याद रख मैं देख नहीं सकती, ये सुन नहीं सकते, पर उन्हें मत बताना और तन के रहना लड़की वालों के सामने। अगर उन्हें पता चला कि हम दोनों अंधे बहरे हैं तो वो भाग जाएंगे। सही कहा आपने। और एक बात, तुम मेरे साइड में बैठना ताकि मैं तुम्हें चुपके से इशारा कर सकूं और उन्हें शक भी नहीं होगा। लो लगता है वो लोग आ गए। चलो चलो जल्दी जाके बैठ जाते हैं। कहाँ? कैसे? भैया आप यहाँ कैसे आना हुआ? शरद कुमार ही है भाई। दिख रहा है। वो क्या है कि जो हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। कोई बात नहीं, आप थोड़े कंफ्यूज हो। तभी तो आया हूँ ताकि तुमसे माफी भी मांग लूँ और तुम्हारे परिवार वालों से भी मिल लूँ। ये कौन है? शरद है। ये शरद है। ये भी शरद है मेरा दोस्त। अरे यार वहाँ शक्लें मिलती थी, यहाँ नाम मिलते हैं, क्या कंफ्यूजन है। सही कहा। अपने घर वालों से तो मिलवाओ। ये ज्ञानेश्वर जी है, अपनी शिवानी के भाई है। उस दिन के लिए माफी मांगने आए हैं। तुम लोग खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। अरे शरद तुम मेरे पास बैठो। मैं मेरे बच्चे की तारीफ नहीं कर रही, पर ये हीरा है और देवी माँ का भक्त। हाँ हाँ भक्त है भक्त है। दादा दादी मैंने शरद के लिए जो रिश्ता भेजा था ना उसे कैंसिल ही समझो। उन लोगों ने शरद को बहुत गालियाँ दी। इसने आपको नहीं बताया पर मुझे रो रो कर बता रहा था। भूल जाओ उन्हें, मैं इससे भी अच्छा रिश्ता ला कर दूंगा। अरे गोपाल राव गुस्सा मत करो, होने वाली बहू का भाई माफी मांगने आया है। गोपाल राव जी नमस्ते। नमस्ते। आगे से अच्छी तरह सोच समझ कर बोला करो। अरे मैंने क्या कहा? छोड़ो। अच्छा ये कौन है? शरद। ये भी शरद है? हाँ ये भी शरद है। शरद की आवाज कैसे बदल गई? मेरा लल्लू कहाँ है? मुझे सोच समझ कर मैनेज करना पड़ेगा। अरे साहब आप तो सिर्फ नामों से परेशान हो गए, मैं तो फेस देखकर चक्कर खा गया था, इसीलिए तो मिस्टेक भी हो गई। शरद तुम्हें देखकर एक बात दिमाग में आई है, तुम हैंडसम हो, तुम्हारे लिए भी एक लड़की ढूंढता हूँ। शरीफ आदमी होकर ऐसी बात करता है? बात पक्की होने के बाद दूसरे रिश्ते की बात कर रहा है। क्यों हम दूसरा रिश्ता नहीं देख सकते? बिल्कुल नहीं। मगर क्यों नहीं देख सकते? मैं बताता हूँ क्यों नहीं देख सकता। चल बाहर चल। चल क्यों? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तू शरद के लिए इससे अच्छा रिश्ता देखेगा। मुझे धक्का क्यों दे रहे हो तुम? लड़का दिखने में स्मार्ट है इसलिए मैंने कहा ज्यादा अच्छा रिश्ता देख देता हूँ, इसमें बुराई क्या है? तू हमें सूट बूट में देखकर सॉफ्टवेयर डीलर समझ रहा है? तेरी क्या कर लोगे तुम? क्या बिगाड़ लोगे मेरा? सारा मुझे चैलेंज कर रहा है। श्री इसको खोपचे में ले जाकर फिक्स डिपॉजिट में डाल के रख। क्या हो रहा है? कंफ्यूजन ड्रामा। मैंने तुझे मेरे पास बैठने को कहा था शरद। बेटा पोजीशन चेंज कर दो। वो आ रहे हैं। डोंट मूव। मैंने गोपाल राव को समझा कर भेज दिया है। कोई शुभ दिन देकर तारीख पक्की कर लेते हैं। क्या बोलते हो दादाजी? ठीक है ठीक है। अरे आप हर बात दो बार बोलते हो। शरद कुमार एक मिनट आओ ना। दादी माँ चलता हूँ। अच्छा बेटा। अरे गधे तेरा साला तेरे साथ गेम खेल रहा है, उसे तेरे से ज्यादा तेरे फ्रेंड में इंटरेस्ट है। इतनी दूर की भारी भरकम बातें अगर सोचोगे तो कंफ्यूजन से निकल लोगे। ठीक है लल्लू। क्या है? अरे तुम खुद ही देख लो। ये पेंटिंग किसने बनाई? एमएफ हुसैन ने या रवि वर्मा ने? तुम्हारे साले ने। आपके छोटे भाई ने? अरे नहीं मैंने। हाँ आपने? I can't believe this. Amazing, beautiful. देख लिया तुम लोगों ने, शरद बाबू इंजीनियर है और असली आर्ट को समझते हैं। वो सड़क छाप रघु रोकड़ा क्या जाने कि असली आर्ट क्या है। साले साहब ये रघु रोकड़ा आदमी है या? वो मनुष्य आदमी नहीं, गटर का ढक्कन है। साला पैसों के लिए मर्डर करता है, नाली का कीड़ा है, घटिया आदमी है। छी छी छी। पर ऐसे खुशी के मौके पर उस कमीने की बात क्यों करें? मुझे बहन को खुशखबरी देनी है तो अब मैं चलता हूँ। जी अच्छा, अपना ख्याल रखना। आपने देखा भाई दोनों भाई बहन कैसे नाटक करके आपको गालियां दे रहे हैं। ड्रामा स्टार्ट उन्होंने किया है पर दी एंड करूंगा मैं। शरद कौन और रघु कौन इस चक्कर में डाल के ऐसा घुमा डालूंगा कि उनका हो जाएगा भेजा फ्राई। ए तू मेरी बात सुन, पाकिस्तान पे लगा दे 25। अरे क्या रे, मैं दूंगा ना तेरे पैसे। जब देखो पैसे 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 करता रहता है। अरे दाद एक घर फोन कर और बोल कि पैसा पहुंचाए कि अपना पार्सल ले जाए। मुझे अभी 50,000 रूपए दे दो। पिछला उधार तो तुम चुकाए नहीं और बार बार पैसा मांगने चले आते हो। नहीं दोगे? नहीं देंगे। फिर मैं क्यों जिंदा हूँ? आत्महत्या करूंगा। नहीं छोड़ दो मुझे, मैं मरना चाहता हूँ। छोड़ दो मुझे, मुझे मरने दो। ये ले पकड़ पैसा। मुझ पर भरोसा रखो दादू, मैं तुम्हारा पैसा चुका दूंगा। मैं सारे के सारे पैसे लौटा दूंगा। हाँ अरे शफी भाई मैं 50 भेज रहा हूँ, 25 इधर 25 उधर। का भाई इस ससुरा के कब तक झेलें? जब तक हमारा पैसा वसूल नहीं होता झेलना पड़ेगा। कहाँ है रे? किंग जिंदा है। बहुत अच्छी खबर सुनाई भीमा कि मेरा भांजा किंग इसी शहर में है। ढूंढो ढूंढो ढूंढो। दादू मैं तुम्हारा सारा पैसा चुका दूंगा। आज हम सब खुशी मनाएंगे। खर्च की चिंता नहीं, दिल खोल के खर्चा कराओ। जाओ 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 जाओ। पहले उके मिलने तो दे। वो मिल जाएगा। कहाँ जा सकता है वो? अब शेर पिंजरे में है। शिवानी। अरे भैया 70 mm स्माइल दे रहे हो। हाँ बात है ये खुशी की। अच्छा जानती है मैं समझ रहा था कि रघु रोकड़ा डबल रोल करके मुझे उल्लू बना रहा है, पर नहीं दोनों बिल्कुल अलग है। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। मैंने उसे इसीलिए चुना कि अपनी फैमिली में घुल मिल जाएगा। ए शिवानी इससे पहले कि उसे हमारे बैकग्राउंड का पता चले हम पंडित को बुलवा कर बैंड बजवा देते हैं। क्या बोलती है? जैसा आप कहें भैया। अरे अरे अगर ये सगाई समय पर नहीं हुई तो बहुत बाधाएं आएंगी और यही नहीं मामा की जान को भी खतरा है। इस दंपत्ति की पहली संतान अपने बड़े मामा को खा जाएगी। अबे मैं कोई मलाई कुल्फियों की वो मुझे ऐसा ही खा जाएगा। हम इसे मामा संकट कहते हैं। आपकी जान को खतरा है। कौन है वो जो मेरा लाइफ का स्टीयरिंग डेड एंड की तरफ लेके जाएगा? छोड़ो ना भैया ये सब बकवास है। अरे पर हम चांस भी क्यों लें? अगर इसकी बात सच हो गई तो। आप पंडित कितना टाइम बचा है? काउंटडाउन में 5 मिनट कम हो गए। सालों मुंह क्या देख रहे हो, जाओ इंतजाम करो। ठीक है भाई। तुम शरद को यहाँ बुला लो। उसको ये सब बता दो क्या? अरे उसे ये सब बता दिया तो वो सवालों का माउंट एवरेस्ट खड़ा कर देगा। कोई बहाना करके उसे बुला लो यहाँ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। हाँ, मेरी मौत की घंटी बजने को 30 मिनट है, पता नहीं वो ऑफिस से निकला भी कि नहीं। तुम लोग मेरी अर्थी उठाने के लिए खड़े हो क्या? निकलो यहाँ से। भाई शरद कुमार आगे। भाई ये सब क्या है? आते ही सवाल शुरू कर दिया। तुम्हें देवी माँ की सौगंध है, अगले आधे घंटे तक चाहे जो भी हो तुम बोलना मत। देवी माँ की सौगंध दी है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, पंडित ने तुम्हारी कुंडली देखी और कुछ बताया है कि अगर तुम्हारी सगाई 30 मिनट में नहीं हुई तो तुम्हारे जीवन में राहु केतु घुस जाएंगे और तुम्हें वनवास जाना पड़ेगा। तुम्हें पता है वो राहु कौन है? वो रघु रोकड़ा। उस 420 घटिया डुप्लीकेट से बचने के लिए ये सारा का सारा हंगामा हो रहा है। अरे मैं जानता हूँ जीजा तुम परेशान हो क्योंकि तुम्हारे घर वाले नहीं आए, पर फिक्र मत करो, बाद में सबको बुलाकर फिर से सगाई कर लेंगे। अरे तुम्हारे उल्लू के चक्कर में मुहूर्त निकल जाएगा। पंडित जी मंत्र शुरू करो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। आजा बहना आजा। सुन, मैंने देवी माँ की सौगंध देकर उसका मुँह बंद कर दिया है, जल्दी मैटर खत्म करो। चुप चुप। अब जब मैं कहूँ तो वर वधू नमः कहना। श्री गणेशाय नमः। नमः नहीं, नमः बोलो। नमः श्रीमान, क्या ये वर गूंगा है? क्या आइडिया दे दिया। हाँ गूंगा है, अब क्या करें? अगर ये दिल में भी नमः कहे। हाँ दिल में करेगा, चलेगा। श्री गणेशाय नमः। नमः विष्णुदेवाय नमः। अब एक दूसरे को अंगूठियाँ पहनाइए। इधर ला रे। चल शिवानी इसको पहना दे, मैं इसका हाथ पकड़ता हूँ। चल डाल दे इसकी उंगली में। जीजा शिवानी को पहनाओ ना। अरे निकल जाएगा, जल्दी पहनाओ। चलो चलो। शिवानी अगर इसने मुंह खोल दिया तो ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगा। सुन, तो इसके साथ कोई फिल्म देखने चली जा, जल्दी जा जल्दी। ये तो तेलुगु फिल्मों में काम करती थी ना? पहले तेलुगु फिल्में करती थी, अब हिंदी भी करती है। अब डिस्टर्ब मत करो, फिल्म देखो। ओके। मेरा सूट देखकर वो मुझे सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक समझा। शादी वाले दिन सिर्फ खाना खिला के मत टरका देना, हम सबको सिल्क की साड़ियाँ भी चाहिए। तुम सिल्क की साड़ी मांग रही हो और 10 साल से मैं सिर्फ एक लड़की मांग रहा हूँ अपने लिए। वो तुम लोगों ने ढूंढी क्या? ढूंढी नहीं थी क्या? कानपुर वाला रिश्ता, कितनी मस्त लड़की थी, पर तुमने कहा गुंडे का बेटा है, सुहागरात थाने में होगी, भाग गए वो लोग। उन्होंने कहा था होशियार लड़का चाहिए, तुम्हारे पास शक्ति है लेकिन बुद्धि। ए मौसी, बुद्धि नहीं होती तो शरद जैसा रिश्ता ला सकता था। भैया भैया ये फिर टपक पड़ा। अरे शरद बाबू कुछ भूल के जो लेने वापस आए हो? मैं वापस कहाँ आया, मैं तो अभी आया। अभी आया? मेरी बहन कहाँ है? आपकी बहन? हाँ मेरी बहन। आपकी बहन ने फोन किया तभी तो मैं आया हूँ। तो फिर वो जो आया था डबल रोल वाला भाई रघु रोकड़ा, वो तो शुरू से कुछ कहना चाहता था पर आपने उसे कसम दे दी ना। अगर मेरी दक्षिणा दे दे तो मैं चलूँ। आप जरा मेरे साथ इधर आइए। अरे पंडित जी सगाई गलत आदमी से हो गयी। शास्त्रों के अनुसार ब्याह उसी से होगा जिससे सगाई हुई है। मुंह बंद कर पंडित, तू चाहता कि मैं उस रोड छाप को अपनी बहन दे दूं? हाँ अरे कुछ करो पंडित। तो फिर दूसरी सगाई कर दो। शिवानी आ नहीं है। अगर वधू मौजूद नहीं है तो उसकी जगह उसका भाई खड़ा हो सकता है, अर्थात आप वर को अंगूठी पहना सकते हैं। अरे तो फिर टाइम क्यों वेस्ट करता, चला मेरे साथ। अरे शरद तुम्हें इसी वक्त मुझसे सगाई करनी है। अरे मैं तुम्हें उस टाइप का लगता हूँ क्या? हमारी फैमिली में रिवाज है कि सगाई साले के साथ होती है। कुंडली के अनुसार 3 मिनट के अंदर अगर तुम्हारी सगाई नहीं हुई तो राम जी और सीता मैया की तरह तुम दोनों को बनवास जाना पड़ेगा। पूछो इसको। अरे पंडित बताओ इसे। लेकिन शिवानी है कहाँ? फिल्म देखने गई है। सगाई के वक्त फिल्म देखने गई? अरे हमारी फैमिली में रिवाज है कि सगाई के वक्त दुल्हन फिल्म देखने जाती है। पंडित तुम शुरू करो। गुठी आपकी पहनूंगा तो क्या शादी भी आपसे करनी पड़ेगी? हमारा रिवाज है। चला पहना। चल अच्छा बढ़िया। मुहूर्त तो निकल चुका था, बताऊंगा तो ये मुझे मारेंगे, नहीं बताऊंगा तो मारेंगे। तुम मरने देने। सुनिए सुनिए, ये रिवाज, ये डांस, ये मर्दों की सगाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। ये तो शुरुआत है, धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगे। भाई रघु रोकड़ा बहुत चालू चीज है, दीदी उसके साथ अकेली है, हमें जल्दी। शरद बाबू माफ कीजिए, मुझे किसी VIP से मिलना है इसलिए आप घर जाइए। किस VIP से? राहु केतु से। हाय कहाँ चले गए थे तुम? एक बहुत ही अर्जेंट काम रह गया था, वही निपटाने के लिए। तुम लोग शिवानी को कुछ मत बताना। ए, कौन है बे? भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर बाहर बाहर। मैं जरा आता हूँ। फिर जा रहे हो? इधर आ बे। क्यों साले रघु, वहाँ इतना कुछ हो गया और तू मुंह में दही जमाए बैठा रहा और मेरी बहन से सगाई कर ली। तूने बोला क्यों कि तू शरद नहीं रघु रोकड़ा है? तूने मुझे बोलने का चांस ही कहाँ दिया? ये सही बोल रहा है भाई, मुझसे मिस्टेक हुआ। मैंने मेरी बहन की सगाई गलती से शरद की जगह तेरे साथ करा दी। गलती से करा दी? क्या बकरा है, टल्ली बल्ली है क्या? चुप, मैं सुबह सुबह दारू नहीं पीता हूँ। पीता हूँ क्या? नहीं। वो क्या है कि शरद बाबू और तेरी शक्ल सेम टू सेम है, इसके लिए मिस्टेक हो गई। जिस वक्त मैंने तेरी बहन को अंगूठी पहनाई उसी वक्त वो मेरे दिल में फिट हो गई। और दिल कोई चड्डी बनियान नहीं जो जब चाह बदल डाला। मैं खुद ही तेरी बहन को बता देता हूँ कि मैं शरद नहीं रघु रोकड़ा हूँ। सुन, तेरे लिए एक मस्त आइटम ढूंढना मेरी जिम्मेदारी। पहले खुद के ढोल बजा फिर मेरे लिए लड़की ढूंढ। चल वो छोड़, मैंने 10% पर तुझे हैदराबाद दिया था ना, पूरा 100% ले ले। भाई क्या चुप रहे, फोड़ डालूंगा। हाँ क्या बोलता है? एक बात भेजे में डाल ले, हम लोग का रिवाज है सगाई का मतलब आधी शादी। तेरी बहन को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर बीच में कोई शरत वरत आया तो उसे ऐसा दूंगा दर्द कि वो हो जाएगा नामर्द। इसलिए उसे समझा कि उसका पति सिर्फ रघु रोकड़ा है, कोई शरत वरत नहीं। भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बताता हूँ, तुम तकलीफ मत करो। हाँ? वो अपनी काकी है ना, वो जूने पुल वाली, उसने कहा कि तुम्हें सगाई वाले दिन फिल्म नहीं जाना चाहिए था, इसलिए मैं तुम्हें खुद लेने आया हूँ। ये सब बकवास बातें हैं भैया, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप घर जाइए। शरद कम ऑन। तुम बात नहीं समझ रही हो। शरद सुनो, शरद हाँ बुला रही है ना। ओह मैं आई एम सॉरी, कम ऑन लेट्स गो। शरद को ये सब पता चला तो वो बेहोश हो जाएगा। सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा। कदम ही क्यों भाई, हाथ ही उठाते हैं ना। आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं सर, आपकी कॉपी की कॉपी हो गई क्या? प्लान सोच रहा हूँ। कैसा प्लान? उस रघु रोकड़ा और ज्ञानेश्वर से बदला लेने का। उस दिन के थप्पड़ों से पेट नहीं भरा क्या? अब तो सोचने लायक कुछ बचा भी नहीं है। तू नहीं जानता इंतकाम क्या होता है? इंतकाम काम का अंत होता है सर, आप बोले तो। शट अप! ज्वालामुखी में दिमाग में उबल रहा है, मैं धुन नहीं सोच पा रहा हूँ। अरे आप कब से धुन सोचने लगे सर? एज यूजुअल इंटरनेट, गूगल, डाउनलोड कॉपी। ताने मार मार के इरिटेट मत कर। मैं रड़छोड़ वाला हूँ और इंतकाम का दर्द जानता हूँ। वहाँ से मेरी जान पहचान के कुछ लोग अपने शहर में आए हुए हैं, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको मेरी ट्रेजेडी सुना के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। एक को उड़ाना है कीमत, जितने बड़ी सुपारी उतने कीमत। ये है उनको बोल मैंने बोला है। कोई सेल लगा है क्या? बोलो काम क्या है? ये आदमी चाहिए। भाई ये शरद कुमार है या रघु रोकड़ा? क्या नाम है इसका? किंग। अब ये साला किधर से आया है? ये कोयम्बतूर से आया है, राजा चंद्र प्रताप वर्मा। हम इसे ढूंढने आए हैं। भाई क्या है? एक मिनट जरा साइड में आइए। अबे इतने सीरियस मैटर में टांग क्यों अड़ाई? मैंने आपको जो फिल्म की कहानी सुनाई थी ना, उसमें माँ ने जुड़वा बच्चों को नहीं चढ़वा बच्चों को जन्म दिया था। और तीसरे वाला ये है। तो चुप बैठेगा बे। एक है शरद बाबू, दूसरा रघु और तीसरा किंग। सही। किंग के अलावा 2 और लोग हैं, ये इन सब को पता नहीं है। तो अगर शरद तक पहुँचने से पहले हम लोग रघु को इनके पास पहुँचा दे तो अपना शरद सेफ और रघु का डर खत्म। चलो मेरे साथ, बात समझ ली। अगर हम किंग को तुम तक पहुँचा दे तो हमें क्या मिलेगा? भाई 1 लाख बोल रहा है, 2 बोले तो डन करो। 1 करोड़ देंगे। अरे पैसे की बात छोड़ो, तुम लोग पहली बार मेरे पास काम लेके आए हो। 2 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा। काम होते ही फोन कर देना। नमस्ते। चलो साहब। कितने बदतमीज लोग हैं, जाते वक्त नमस्ते तक नहीं किया। ए शिवानी, मेरे को तुझे एक बहुत भयानक सच बताने का है। अरे भयानक सच? अरे गलती से मिस्टेक हो गया, हमने रघु को शरद समझ के तेरा एंगेजमेंट उसके साथ करा दिया। क्या? हाँ वो असल में उस दिन क्या हुआ ना कि यानी कि अब मुझे रघु से शादी करनी पड़ेगी। नहीं, क्या तेरा ये भाई तेरी लाइफ बर्बाद होने देगा? वो पंडित है ना, उसने इस गलती को सुधार दिया है। देख तू टेंशन मत ले, अब तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। हाँ पर रघु का क्या करें? जल्दी लाओ। ला अबे इसका भी डेकोरेशन कर दिया। लो पी लो। क्या है ये? पी के देख होश उड़ जाएंगे। हम तो नहीं है ना। अबे अमृत है। पी बेटा पी। अरे वो उसे ले आए। दादू तुम्हारा 5 करोड़ इस बोरे में आ गया। अबे चल बागी हो जा। रखो जल्दी खोलो। खोलो। रुको रुक जाओ। अरे जल्दी खोलो। मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, अब एक फेवर चाहता हूँ। तू खोलना चाहता है इसे? नहीं सर, इसे खोलने से पहले मैं मेरा बदला लेना चाहता हूँ। जब मारा था थप्पड़ मारे थे मुझे ढोल की तरह। अरे पहले खोल उसे और फिर उसे मार। चलो खोलो उसे, खोलो खोलो। मेरा तो साथ दम ही घुट जाता। अरे भाई आप कैसे अंदर पहुंच गए? मैंने कहा था टुन करके उससे बोरे में घुसेड़ना, तूने मुझे घुसेड़ दिया। अच्छा अभी मुझे किसने मारा था? इस म्यूजिक डायरेक्टर ने भाई, इस बुटके ने। अबे ओ साले तेरी माँ का साकी डाका। क्या नौटंकी है? किंग कहाँ है? भाग गया साला, हम सबको चूना लगा गया। मैं खुद उसे पकड़ के लेकर आऊंगा। चलो रे तुम यहाँ से तब जाओगे जब किंग यहाँ आएगा। वो ज्ञानेश्वर को धमकी दे रहा है। जब देखो गन की सेल लगा देते हो। अबे खोपड़ी खराब हो गई है क्या? अगर मेरे को टपका डालोगे तो तुम लोग को किंग कैसा मिलेगा? आप क्या कह रहे हैं भैया? मैं बार बार नहीं बता सकता, तेरे को जो ठीक लगे वो कर, पर रघु को पकड़। सुनो तुम बेवकूफों की वजह से ना मेरे भैया बुरी तरह फंस गए। मैं रघु रोकड़ा को किसी न किसी तरह बातों में उलझा लूंगी, फिर तुम लोग मौका मिलते ही फटका मार देना। बस ना होगी ब्लीडिंग, ना होगी मौत। ठीक है दीदी। उसे 2 घंटे तक होश नहीं आना चाहिए, समझे? हमें वो टेक्निक नहीं आती, हम तो फटका मार देंगे फिर चाहे वो जिए या मरे। तुम्हें आता क्या है गधे कहीं के? वो आ रहा है, छुप जाओ जल्दी। सब खा खा के सांड हो गए, हट बे। जल्दी जल्दी करो जल्दी। पार्सल निकाल जल्दी जल्दी। तो बिल्कुल सही वक्त पर आई है। 1 मिनट भैया, इनकी हिम्मत कैसी हुई आपको पकड़ने की? अभी खबर लेती हूं। इंसान होगा तो उससे बात करेगी ना, ये लोग जानवर हैं। इन लोगों से मैं बात करता हूं ना। तो रुक, ये चश्मेश ये ले किंग, अभी जो करना है कर, पर आदमी बहुत चालू है। हाँ बाद में बोलना मत कि मैंने बताया नहीं। ए दे दे इसको। अच्छा हुआ ले गया, अभी साला अपनी टेंशन खत्म। हाँ भैया। ए हाँ भाई, उन लोगों से पेमेंट लेके आ और 1000 के नोट लेना। ठीक है भाई। शिवानी जी ये सब लोग कौन है? अरे छोड़ दो मुझे। शिवानी जी भैया मैं तो मंदिर में था, यहाँ कैसे आ गया? चुपे भैया ये तो शरद लगता है। मुझे ऑफिस जाना, इनसे कहिए ना मुझे छोड़ दे। ऑफिस जाने की बात कर रहे हैं तो शरद ही है, अब हम क्या करें? अरे रे रे रुक जाओ रुक जाओ। भैया शिवानी जी कुछ कीजिए ना। छोड़ बे, पहले के पटके भूल गए क्या? वैसे तुम लोग सब हो कौन? आओ आओ आओ। इन सालों ने किंग का नाम लिया था तो इनको मार मार के सुझा डाला था। तूने किंग का नाम लिया तो तेरे को काट डालूंगा। मैं ये बात जानता हूँ कि तुम किंग नहीं हो, किंतु परंतु अगर मैं तुम्हें किंग की जगह पहुँचा दूँ तो मेरे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। तो कुछ दिनों के लिए तुम्हें किंग की एक्टिंग करनी पड़ेगी। काहे को एक्टिंग करूँ? 1 करोड़ रुपयों के लिए। पैसा वैसा ठीक है, पहले मेरा दिल मानना चाहिए। अगर तेरा काम सही है तो मैं सपोर्ट करूंगा। मैं गलत काम करता ही नहीं। बीवी बच्चों से दूर मैं जानवरों की तरह इन गुंडों के बीच में कैसे जी रहा हूँ क्या बताऊँ। और मेरे भांजे किंग का लिया हुआ कर्ज मेरे गले का फंदा बन चुका है। मैं तेरी प्रॉब्लम समझता हूँ, लेकिन मान ले कहीं से असली किंग टपक पड़ा तो मैं तो गया ना अंदर। किंग नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? वो मर चुका है। क्या कहा? इतना दिन हमका लोरी सुनाया कि हमारा कर्जा चुकाओगे, अब कह रहे हो किंग मर गया? अरे छोड़ो मुझे। अगर तुम्हें पता चलता तो क्या तुम मुझे छोड़ देते? अब रघु की मदद से तुम्हारा कर्ज चुकाने का मौका मिला है, इसलिए मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। तू सच ही बोल रहा है, इसकी क्या गारंटी है? गोपी एक इनकी मौत का चश्मदीद गवाह है, बता इन्हें। डेथ सर्टिफिकेट, डेड बॉडी का फोटो। किंग की मौत के बाद मुझे लगा मेरी फैमिली खतरे में होगी, इसलिए मैंने ये खबर अपने तक ही रखी। रघु दोस्त अगर तुम मदद कर दो तो शायद मैं किंग के हत्यारे को भी ढूंढ लूं, प्लीज। तेरा काम सही है, मेरा दिल मान गया। डील पक्की। या शिवानी जी। शरद तुम उस मंदिर में क्या कर रहे थे? बताया तो था मैं हर शनिवार को मंदिर जाता हूँ, बस मैं वहीं गया था। अचानक मेरे सर पे किसी ने वार किया और मैं बेहोश हो गया। जैसे ही आँख खुली तो यहाँ था। अरे ये तो हमको भी मालूम है, अंदर क्या हुआ ये बता। वो लोग मुझसे बोले कि अगर मैं किंग की एक्टिंग करूंगा तो वो मुझे पूरे 1 करोड़ रुपए देंगे। मैं तो वाकई डर गया था। तुम डरो मत शरद भैया, चलो उन्हें बता देते हैं कि ये रघु नहीं शरद है और इसे यहाँ से ले चलते हैं। अब तू भी शरद की तरह बात कर रही है, तेरा भी दिमाग खराब हो गया क्या? वो लोग को शरद या रघु नहीं चाहिए, वो लोग को किंग का डुप्लीकेट चाहिए। तो अब हम क्या करें? वो लोग जैसा बोलते हैं तू बस वैसा कर, हम लोग रघु को यहाँ लाकर तेरे को ले जाएंगे। तो मैं ऑफिस जाके छुट्टी लेके आता। अरे तू ससुराल में दावत खाने आया क्या? वो लोग तुझे नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? मैंने क्या किया? समझा आपने इस भोले को। प्रॉब्लम है एक्चुअली, प्रॉब्लम ये है कि देखो बड़े भाई, वो रघु बड़ा चालू आदमी है, 2 दिन में वहाँ झाड़ू मार के यहाँ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? मेरी बहन उसकी कमजोरी है इसलिए वापस आएगा। तो बहन को साथ ले जाऊंगा। मेरी बहन की भी एक कमजोरी है। अब वो क्या है? वो मेरे को बहुत प्यार करती है, मेरे बिना कहीं नहीं जाती। मैं पहले से ही परेशान हूँ, रघु को किंग बना के उसको उसकी कुर्सी तक कैसे पहुँचाऊँ, और तुम चाहते हो कि मैं पूरी भजन मंडली ले जाऊँ। अरे आप बेफिक्र रहो, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। ओम पित्त शांति शांति। तुम्हारे पिताजी ने आत्महत्या की थी, उन्हें इस तरह मोक्ष नहीं मिलेगी पूजा। अगर वाकई उनकी आत्मा की शांति चाहती हो तो मेरा मानना है कि इस सबसे बढ़कर तुम्हें कुछ करना होगा, और वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। ये 20 लाख का चेक आप आज के आज ही जमा करा दीजिए। जी मैडम जी। भाभी वो हाँ? हमने किंग को ऑलमोस्ट हर राज्य में ढूंढ लिया है, अब सिर्फ 3 ही राज्य बचे हैं, हरियाणा, गुजरात और वो छत्तीसगढ़। हाँ करेक्ट साइड। मैं सोच रहा हूँ कि 3 राज्यों के अखबारों में किंग का फोटो छपवा दे, पर उसके लिए तो कम से कम 2 लाख का खर्च होगा। हाँ तो छपवा दीजिए। अच्छा भाभी। साईराम जी। जी मैडम। आप वोरा जी को 2 लाख कैश दे दीजिए। ओके मैडम। इंसानों पर भरोसा करने से अच्छा है कि हम भगवान पर भरोसा करें भाभी, इसलिए मैं ये सोच रहा था कि हम किंग के नाम पर राज्य के सारे मंदिरों में अनाथों और गरीबों को अनाज बांटे। हाँ तो बंटवा दीजिए, लेकिन इसमें कम से कम 10 लाख खर्च होंगे। इतनी बड़ी रकम खर्च करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा किंग एक अनमोल हीरे जैसा है। आपने तो मेरे दिल की बात करी, विश्वास कीजिए किंग जरूर वापस आ जाएगा। ए, अप्पा जी, एहसान फरामोश, यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई रे तेरी? अरे उल्लू की तरह क्या घूम रहा है? अपनी पत्नी की नाक कटवा के किस मुंह से वापस आया है? मैं वापस आया इसलिए परेशान हो, या फिर किंग वापस नहीं आया इसलिए? ए, देख तो घुमा घुमा के बात मत कर, तू आए या मर जाए हमें क्या, हम सब किंग को खोकर बहुत दुखी हैं इस समय। रो मत, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ काले जी। आ गया। ये तुझे क्या हुआ बेटा? ये सब क्या है? तुझे क्या हुआ? बोलो बेटा बोलो। सॉरी मैडम, ये किसी को पहचान नहीं सकते, ना ही बोल सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? किंग की ये हालत अप्पा जी नहीं की होगी। आप इन पर इतना गलत इल्जाम मत लगाइए। किंग का एक्सीडेंट उत्तरांचल में हुआ था। मेरा नाम डॉक्टर ज्ञानेश्वर काले है और ये है मेरी बहन शिवानी काले। नमस्ते। नई दवाओं के लिए जड़ी बूटियाँ खोजते वक्त हमने किसी के कराहने की आवाज सुनी, वहाँ जाकर देखा तो आपका बेटा मौत से लड़ रहा था। हमने प्राकृतिक जड़ी बूटियों से आपके बेटे का बहुत दिनों तक इलाज किया, फिर ये श्रीमान आए और इनको पहचान कर हमें यहाँ ले आए। मैडम, किंग के खोने का और आपसे दूर होने का गम मुझसे सहा नहीं गया, और मैं जंगलों में दिन रात भूखा प्यासा भटकता रहा जब तक कि मुझे हमारा किंग नहीं मिल गया। भूखे प्यासे छोड़ो, आप तो लड़ाकू सांड की तरह सॉलिड लग रहे हैं। तुम जैसा नहीं, खाते पीते घर का हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा पहले जैसा नॉर्मल तो हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल होगा मैडम, मगर उसके लिए आर्ट थेरेपी करानी पड़ेगी। आर्ट थेरेपी वो क्या है? एक इलाज, अंग्रेजी इलाज को एलोपैथी कहते हैं, जड़ी बूटी के इलाज को आयुर्वेद, और कला के इलाज को आर्ट थेरेपी। आपने मेरे बेटे की जान बचाई, क्या इसके बिल्कुल ठीक हो जाने तक आप यहीं रुकेंगे? जैसा आप कहें, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता हम कहीं नहीं जाएंगे। भैया जी प्लीज इनके रहने का इंतजाम कर दो। अच्छा दीदी, आइए सर आइए। जाओ जाओ जाओ। हाँ तो गोपी मोहन, तुम्हारा कपटी छलिया दिमाग और वोरा का षड्यंत्रकारी दिमाग इस्तेमाल करके मुझे यहाँ से भगाया था, अब मैं तुम्हें भगाऊंगा। थैंक्स अप्पा जी साहब, किंग बेटे को लाके आपने इस महल के 12 लाख रुपए बचा लिए। ये तो एक ट्रेलर था साईराम, पूरी फीचर फिल्म कल से शुरू हो जाएगी। जाए थोड़ी राहत, रब से दुआ करती हूँ सदा, बरसा दे खुदा भी तुझ पे उसकी रहमत। जाना ना जाना छन छन बोले हैं संगीत की मीठी सरगम, जाना ना जाना झन झन डोले हैं मन तेरे धुन पे ही हरदम। ये कौन है? ये माँ है। हाँ। ये कौन है? बड़े फूफा जी। वाह। मुझे पहचाना, मुझे पहचाना। अब बताओ ये कौन है? मजले फूफा जी। करेक्ट। और ये कौन है? छोटे फूफा जी। हाँ, वेरी गुड। मैं सबको विश्वास दिला दूं कि रघु ही किंग है, फिर तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगा। ये आखिरी जाना था। तुम क्या मुझे धमकी दे रहे हो? अब मुझे बात नहीं करनी। सोनप्पा जी, मैं ये ड्रामा और नहीं कर सकता। ये कुर्सी पे बैठे-बैठे मैं सचमुच का लंगड़ा बन जाऊंगा। एक तरफ वो ज्ञानेश्वर की सड़ेली बकवास पेंटिंग और दूसरी तरफ वो बेसुरी शिवानी, मैं तो पगला जाऊंगा। चुप चुप। नो चुप नो चुप, तेरी मुसीबत तू झेल। मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारे शरीर की मालिश कर दूंगा, प्रॉमिस। आज आर्ट थेरेपी के आखिरी सेशन की शुरुआत हो रही है। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए और इलाज में कोई बाधा ना आए, उसके लिए आंखें बंद करके सब लोग मेरे साथ कहिए, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। अब आंखें खोल लीजिए। जब रोगी का शरीर सुन्न हो जाता है तब सातवां सुर लगता है। अगर स्पर्श का पता चल रहा है और सातवां सुर लगा दिया तो रोगी के पैर बेकार हो जाते हैं। मुझे स्पर्श का पता नहीं चलता। इसका चेकअप करना मेरा काम है बेटा। वो जा कर रहे हैं आप? आप जरा पीछे हट जाइए। पता चला? चलो तुम भी पीछे हटो। जी गुरुजी। चलो। पता चला? नहीं चला। नहीं। अभी 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 पता चला? जरा भी नहीं। ये आर्ट थेरेपी नहीं, बदले की आग लगती है। हाँ, तुम्हें चोट लग रही है, तुम रो रहे हो। रो नहीं रहा हूँ गुरुजी, आपकी मेहनत और मेरे प्रति प्यार देखकर मुझे रोना आ गया। गुरुजी ये कह रहा है, ऐसे कुछ फील नहीं हो रहा, हम सातवां सुर गाते हैं। क्या वक्त हुआ है अभी? 10:20। मनहूस घड़ी है, जो काम ब्रह्मा के शुभ मुहूर्त के समय होना चाहिए, अगर वो अशुभ घड़ी में हुआ तो रोगी ठीक और इलाज करने वाला अपाहिज हो जाएगा। जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहा गुरुजी। आर्ट थेरेपी में जल्दबाजी नहीं करते, कल ब्रह्मा के शुभ मुहूर्त पर इलाज करेंगे। ये तो सिर्फ झलक थी बदले के राग की, कल देखना मृत्यु राग। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे मेरी माँ, मैं मर गया रे। कमीने ने मेरी टांग तोड़ डाली, ढोल की तरह पीट डाला मेरे को। ऐसे मारा जैसे मैंने उसकी बेटी भगाई हो। कभी हाथ लगेगा तो ठोक डालूंगा। मर गया रे साला, कमीना कुत्ता सुअर। शरद, तुम रघु रोकड़ा जैसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या है कि इतना पिटने के बाद कोई भजन याद नहीं आया। मैंने गुस्से में किसी को ऐसे ही बोलते हुए सुना था, इसलिए बोल गया। मुझे मार खाते हुए तुम दोनों ऐसे देख रहे थे जैसे छक्के चौके लग रहे हो। पैर पे पूरा स्कोरबोर्ड छप गया, लेकिन किसी ने नहीं रोका। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ। भैया से कहकर मैं उस साले रघु को पिटवा दूंगी, नीला पीला करवा दूंगी, क्योंकि उसकी वजह से हम हमेशा फंसे रहते हैं। साला नीच कमीना कुत्ता कहीं का। तुम भी रघु रोकड़ा की तरह शुरू हो गई। एक्चुअली तुम्हारा दर्द देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई ना, इसलिए बोल गई। इसी तरह सेवा करती रहो। मैंने कई रिवेंज फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है। रिवेंज लेने के बाद जो खुशी मिलती है उसका तो मजा ही कुछ और है। मजा आ गया ना, अब चलिए। अरे अभी तो वो ज्ञानेश्वर बाकी है जिसने धूप में खड़ा करके मेरी पेंटिंग बनाई थी। उसके बाद शिवानी भी तो है। क्या बात कर रहे हैं। देख किशोर, इतना बिजी होने के बाद भी मेरे काम छोड़कर यहाँ आने की वजह है वो शिवानी। गुरुजी क्या रे। ओ ज्ञानी सुनो, क्योंकि तुम भी एक आर्टिस्ट हो तो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। अगर तुम्हारी बहन मुझे सौंप दो और मुझसे माफी मांगो तो मैं ये मैटर यहीं खत्म करता हूँ। तो बोलो क्या बोलते हो। क्या बोला मेरी बहन के बारे में। सर से माफी मांगता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। हाथ जोड़कर माफी मांग। ठीक है भाई। अरे जोड़ लीजिए सर। हाथ जोड़ रहा है कि नहीं। मेरे हाथ उठ ही नहीं रहे हैं। भैया इसने पैरों पर मारा था, फिर आपने इसके हाथ क्यों तोड़े। चुप रहो मैडम, कुछ मत बोलिए, सातवां सुर मत लगाइए। मुझ पे चलाएगा भैया, तोड़ दो इसके पैर। तोड़ दीजिए, इसे सजा दे रहे हैं। अरे साली जी आपने तो इस अखरोट को बड़ी आसानी से तोड़ दिया। ये कौन सी टेक्निक है। इसको काय कचौरी लॉक कहते हैं। हाँ। ये लॉक संभाल के लगाना पड़ता है। हाँ। वरना गलत लग गया तो इंसान परलोक जा सकता है। दूसरा पैर मैं ट्राई करता हूँ साली। हाँ, तुम भी ट्राई करो। आप भी दूसरा पैर तोड़ो। ये तो अनाड़ी है, 100% मार डालेगा। अरे 2-4 मरीजों को मारने के बाद आदमी डॉक्टर बन पाता है। जीजा शुरू हो जाए, लगा जोर। गुड लैंडिंग। आप ऊपर गए कि यही है। यही हूँ। अरे ये तो साला जिंदा है, तुमने पहली बार में काय कचौरी लॉक सही लगाया। अरे सर मुझे इसी हालत में छोड़कर जा रहे हो क्या। मैं जिंदगी भर ऐसा ही रहूंगा। अगर लाइफ में इससे बड़ा लॉक लग गया तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तब तक खटिया पकड़ के सो। ए भाई ये सब कैसे हो गया। वो हुआ ऐसे कि चला था मुरारी हीरो बनने और जीरो बन के रह गया। तू खुश है ना। जिस तरह एक सपेरे की मौत सांप के डसने से होती है, उसी तरह आर्ट का डॉक्टर आर्ट थेरेपी का ही शिकार हो गया। कल रात जब गुरुजी कुछ ज्यादा ही पी गए तो धुनकी में किंग को ठीक करने के लिए ये 7वां सुर गा बैठे और इनका ये हाल हो गया। अरे इनको छोड़ो और किंग को अच्छा करने पर अपना सारा ध्यान लगाओ। हाँ डॉक्टर साहब वो शुभ घड़ी आ गई है। आप अपनी आर्ट थेरेपी स्टार्ट करिए और गाना गाना शुरू कीजिए। मिल रहा है। वाह। उठने की कोशिश करो, आगे बढ़ो। ये ठीक हो। संभाल के। Come on, get up. कोई सहारा मत देना, खुद चलेगा। संभल के बेटा, संभल के। गोपी मोहन, एक का पैर ठीक होना दूसरे का पैर खराब होना, ये बात कुछ हजम नहीं हुई भाई। माँ, भैया। अरे ये क्यों आ गया, अब इसे कैसे संभालूं। बाबा जी ये कौन है। तेरा छोटा भाई। ये मेरा भाई है। किंग का जरा सोच समझ के बात। टेंशन मत ले, भाई साहब संभाल लूंगा। अजय क्या बात है, बिना खबर दिए ही चला आया। सबकी याद आ रही थी तो चला आया। भैया कहाँ हैं। ए छोटे भैया, पूरी फैमिली को एक साथ लेकर बहुत खुशी हुई। ठीक से मनाओ। ये सब कौन है। दरअसल लंदन जाने के बाद भैया का एक्सीडेंट हो गया था, यही लोग इसको। इनका एक्सीडेंट हुआ था और आपने मुझे बताया नहीं। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, पर तू ये बता कि तू अचानक कैसे आया। आपको एक सरप्राइज देने। पूजा ये मेरी माँ है। नमस्ते। और ये भैया। नमस्ते। नमस्ते। ये लड़की कौन है भाई। ये मेरी गर्लफ्रेंड है भैया। माँ आप लोगों की इजाजत हो तो हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं और भैया तुम्हारी पसंद को इनकार नहीं करेंगे। लक्ष्मी जी भाभी, आरती लेकर आओ, बहू की आरती उतारनी है। अंदर आ जाओ बेटा। बाबा, नकली किंग से हमारा कोई मतलब नहीं है, बस उसके छोटे भाई को मारना है, फिर जितनी जल्दी हो सकेगा यहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे। तो आप किसी और को ले लो, गुरुदेव की तो बैंड बज चुकी है, वो अब क्या बजाएंगे। बाय। अरे भाई किशोर, क्या है? मुझे गोपी मोहन के पास ले चलो। कभी इधर लेके चलो, कभी उधर लेके चलो। मुझे रिक्शा वाला समझ रखा है क्या? वैसे उससे काम क्या है आपको? मेरे पास ज्ञानेश्वर और उसकी गैंग को खत्म करने का आइडिया है। वॉक नहीं कर सकते, टॉक करने चले हैं। वॉक नहीं कर सकता तो क्या हुआ, टॉक करके तो बदला ले सकता हूँ। हाथ पैर टूटे, अब मुंह भी टूटेगा। अबे मेरा मुंह टूटेगा या उनका सिर, ये तो खुद देख लेना। मीटर डाउन कर चल। तू तो बड़ा हंस रहा था कि किंग तो गया, अब वापस कैसे आ गया, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा तो मैं समझाऊं? तो ये अप्पा जी एक डुप्लीकेट को किंग की जगह बिठाकर हमें धोखा दे रहा है। अप्पा जी ने अकेले ही प्रॉपर्टी डकारने का नाटक रचा है। ओए, ये लुंगी कस के डायलॉग मारने के बजाय पहले उस रघु रोकड़ा से बात करो। रघु रोकड़ा, अप्पा जी के ड्रामे में किंग का रोल करके तू यहाँ पर हम सब लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। दारू भी रखे क्या? मैं ही किंग हूँ। अगर तू किंग है तो तेरी 10 साल की उम्र वाली वो बात मुझे बता जो सिर्फ तुझे और मुझे मालूम है, किसी और को नहीं मालूम है। चल बता। वो छोड़ो, तेरे 7वें जन्मदिन पर तेरे पिताजी ने एक तोहफा दिया था, क्या था वो? अबे अकल के दुश्मनों, तुम क्या सवाल पूछ रहे हो इससे? पुलिस को बुलाओ, वो सवाल करेगी। इसकी गैंग को अंदर कराओ। तू इस तरह घूर क्यों रहा है? जब मैं 10 साल का था तब तुम लोगों ने चोरी करने के जुर्म में मेरे पैर पकड़कर मुझसे माफी मांगी थी, मुझे याद है। तुमने पूछा था कि 7वें जन्मदिन पर पिताजी ने मुझे क्या तोहफा दिया था। ये तलवार। अरे भाग किशोर, जल्दी कर, जान बचा। जानते हो क्यों दी थी? तुम जैसे जानवरों को मौत के घाट उतारने। क्यों मरवाया था तुम लोगों ने मुझे? बोलो, क्यों मरवाया था मुझे? मुझे कुछ भी नहीं मालूम। गोपी मोहन, वो काम तूने करवाया था, बोल क्यों मरवाया था? मैं गुंडा बदमाश हूँ पर खूनी नहीं हूँ। इन लोगों पर दौर जमाने के लिए मैंने झूठ बोला था। शरद बाबू, आप डल लग रहे हैं, कल रात नींद नहीं आई? पता नहीं साले जी, ऐसा लग रहा था दिल पे कोई भारी बोझ रखा हुआ है, फिर सुबह जब नींद खुली तो सर पकड़ लिया। ऐसे गेम्स में होता रहता है, घबराओ मत, आदत पड़ जाएगी। नाश्ता करो। अरे फूफा जी आइए आइए, नाश्ता कीजिए। नहीं भांजे, हम बाद में नाश्ता करेंगे। मैंने कहा ना आइए। ओके ठीक है। एक घूंट और वो फिनिश। बड़े बुबा, अभी नाश्ता कीजिए। सुबह सुबह दादू का फोन आया था, पैसे नहीं दिए तो मुझे फाड़ खाएगा, इसलिए भाभी से कहकर 1 करोड़ रुपए निकाल लो। उसके मुंह पे पैसे मारकर कुछ दिनों के लिए उसका मुंह बंद करवा देता हूँ। सोचता हूँ नाश्ता कर ही लूँ। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग अजय, बैठो। गोपी, अरे रघु जाओ, जल्दी जाके पैसे लेकर आओ। लाओ लाओ लाओ। अरे क्या हुआ? जूस पियो। तुम सुन रहे हो कि नहीं? है फिर से। बोल बोल। बेटा, चल बता। बेटा, छोड़िए। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? भैया, क्या हुआ? क्या हुआ माँ? कुछ भी नहीं हुआ। कभी कभी आर्ट थेरेपी के मरीज को थोड़ा साइड इफेक्ट हो जाता है, ये वैसा ही एक साइड इफेक्ट था। डॉक्टर इसकी ऐसी हालत। देखिए आप घबराइए मत, थोड़ा आराम करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। आप इन्हें अंदर ले जाइए। चलो बेटा। जानते हो ज्ञानेश्वर बाबू, रघु ने मुझे कुर्सी से नीचे फेंककर उस टेबल को खट से ऊपर उठा दिया, फिर उस लड़की का गला दबा दिया। उसका दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं, ये सब उसने नहीं किया। तो फिर किसने किया? आज रात मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये कौन कर रहा है और कौन करवा रहा है। यानी मुझे पता है कि तुम्हें पीने के बाद नींद नहीं आती, इसीलिए तुम हमें भूतों की कहानियाँ सुना सुना कर टाइम पास करते फिर रहे हो। मुझे भी यही लगता है। देखोगे तो खुद जान जाओगे। कहाँ है भूत? तुम इतनी लंबी लंबी फेंक रहे थे, क्या है यहाँ तुम्हारा सर? अभी हम लोग जिसको देख रहे हैं वो रघु रोकड़ा तो है, पर उसके अंदर किंग की आत्मा है। किंग की आत्मा है? पर ये कैसे हो सकता है? अपनी मौत का बदला लेने के लिए उसकी आत्मा भटक रही थी और वो अपने डुप्लीकेट रघु रोकड़ा के अंदर घुस गई। सुबह जब तुम लोग नाश्ता करने में लगे हुए थे तब मेरा ध्यान सिर्फ रघु रोकड़ा पर था। पूजा के आते ही मैंने इसकी आंखों में दहकते अंगारे देखे थे। हाँ, मैंने भी देखे थे। इसकी आंखें ज्वालामुखी की तरह लाल थी। लेकिन किंग अजय की मंगेतर से नाराज क्यों है? शायद इसे इंटरकास्ट शादी पसंद नहीं, या फिर कोई और वजह होगी। ओह अच्छा। मैंने वहाँ तो सबको समझा दिया कि ये हालत इलाज का साइड इफेक्ट है। उसके बाद मैंने इंसानी आत्माओं पर लिखी सिगमंड फ्रॉयड की बुक का हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा और तब मुझे सारी बात समझ में आ गई। ये तो फिल्म भूल भुलैया की कहानी जैसा लग रहा है। फिल्मों की स्टोरी भी असली जिंदगी से हिली जाती है शिवानी। देखो, रघु रोकड़ा पूरी तरह से किंग बन चुका है। रघु को तो पता भी नहीं कि किंग की आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। अब हम क्या करें? इस परेशानी का इलाज मेरे पास है। शाकिनी, ढाकिनी और दुष्ट आत्माओं की बुरी नजर से रक्षा करेगा। इसे स्वामी अभियान जय की 1000 तपस्याओं का आशीर्वाद प्राप्त है। जब तक ये आपके पुत्र के शरीर पर रहेगा, कोई दुष्ट आत्मा इसके पास फटक तक नहीं सकेगी। रक्षा गंडा यंत्र। आपके पुत्र की सुरक्षा के लिए ये सोते जागते हर समय उसकी कलाई पर होना चाहिए। जब तक ये आपके पुत्र के शरीर पर रहेगा, कोई दुष्ट आत्मा इसके पास फटक नहीं सकेगी। श्रेय यश करम। बाबू की कुंडली के अनुसार खतरा टलने के बाद इनके ब्याह का योग आ चुका है, इसलिए शीघ्र ही इनका ब्याह करने की व्यवस्था कीजिए। कैसी बातें करते हो बाबा? गंडा देने आए हो तो दो और जाओ। फालतू बातें क्यों कर रहे हो? इस मुश्किल घड़ी में हम लड़की कहाँ से ढूंढे? लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो यही मौजूद है। कौन है वो? शिवानी। डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है? ये फैसला तो मेरी बहन ही करेगी। तुम कहो शिवानी। आज मैं बहुत खुश हूँ। भाई साहब, आप फौरन सगाई की तैयारियाँ शुरू कीजिए। जैसा आप कहें। एक लंबे समय के बाद हमारे इस महल में इतनी सारी खुशियाँ आई हैं। ख्याल रहे, इस खुशी के मौके पर कोई कमी ना रहे। वो नकली किंग हर रास्ते में रुकावट डाल रहा है। उस नकली किंग से मैं निपट लूंगा पूजा, पर किंग का भाई अजय आज रात ही मर जाना चाहिए। डन। बाबा, हम लड़की के भरोसे नहीं बैठ सकते। रुक! शरद बाबू क्या बात है, आपने तो अकेले ही इन सब की पुंगी बजा दी। शरद के बाजुओं में इतना दम नहीं है। इसका मतलब तू रघु रोकड़ा और हमारे शरद बाबू? मेरे एंट्री मारते ही वो खिसक गया। क्यों रे शाणे, मुझे उल्लू बनाकर शिवानी की शादी उससे करने की सोच रहा था। अगर तूने शुभ मुहूर्त पर उसकी शादी मुझसे नहीं करवाई तो किसको शरद दुनिया से खिसक जाएगा। ये शिवानी उठ। क्या है भैया, अच्छा सपना देख रही थी। अरे शिवानी, तू सपने में घुसी है, यहाँ रियल लाइफ में कितने लफड़े हो रहे हैं। क्या हो गया भैया? रघु रोकड़ा आ गया और उसके डर से शरद बाबू यहाँ से भाग गए हैं। तो अब हम क्या करें? देख, हमें बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है, मतलब है सिर्फ शरद से। हम दोनों इसी वक्त यहाँ से निकल चलते हैं। चलो उठ। हाँ, उठ गई भैया। मेरी जान के लाले पड़े हुए हैं और तुम्हें अपनी शादी की सूझ रही है। बेटा, अगर तुमने जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो दादू मुझे जिंदा जला देगा। अब घूरना छोड़ो, जो गंडा बंधवाया था वो है ना हाथ में। सॉरी अजय। क्यों आई है फिर से? क्यों मारना चाहती है मेरे भाई को? कौन है तू? बता, कौन है तू? बता। अरे भैया छोड़िए इसे, आप पागल हो गए क्या? छोड़ दो। ये हमारी फैमिली को मिटाने आई है मेरे भाई। किसका भाई है तू? तू किंग नहीं है, मैं जानता हूँ तू रघु रोकड़ा है। नहीं, मैं किंग हूँ। किंग तो मर चुका है, मैंने उसे मरवाया। आखिर क्यों? मेरे रास्ते से हटाने के लिए। जहां भी जाओ, जिधर भी जाओ, सब मुझे किंग का भाई कहते थे। उसकी वजह से मेरी कोई पहचान ही नहीं रही। अगर मैं जीतता तो कहते किंग की जीत हुई है। जहां भी जाओ किंग, इसलिए मैं किंग बनना चाहता था तो मरवा दिया उसे। अब तुम महल में आकर पैसों के लिए मरे हुए किंग की जगह ले रहे हो। कितना पैसा चाहिए तुम्हें? मैं दूंगा, बस यहां से दफा हो जाओ। कौन हो तुम लोग? हम कौन है ये तुम जान जाओगे, लेकिन उससे पहले ये जान लो, किंग को मारने की बहुतों ने कोशिश की पर कोई नहीं मार सका, लेकिन तुमने उसे मार दिया। तुमने किंग के विश्वास को मार दिया, उसकी चाहत को मार दिया, पर किंग को मार ना सके। किंग को मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये जानकर किंग ने जिस भाई को खुद से ज्यादा प्यार किया वही उसको मारना चाहता था। इस सच्चाई का बोझ लिए बैठा हुआ ये शख्स किंग है, राजा चंद्र प्रताप वर्मा। आप झूठ बोल रहे हैं, ये किंग नहीं रघु रोकड़ा है। एक जैसी शक्ल के दो लोग हो सकते हैं, पर इनके जैसा इंसान लाखों में एक है। किंग के बॉडीगार्ड मुन्ना का असली नाम रघु रोकड़ा है, जो मेरा बेटा है। जब इन्हें पता चला कि इनके परिवार के लोग ही इन्हें मारना चाहते हैं तो बड़े फूफा की मदद से रघु रोकड़ा यहाँ किंग बनकर आया, असली कातिल का पता लगाने। और तुम ही वो कातिल हो, ये जानकर किंग जीते जी मर गए। सर जी, ये पूजा कोई और नहीं, मिस्टर रंगाराव की बेटी है जो इस महल में काम किया करते थे। डायरेक्टली आपके खिलाफ कुछ न कर पाने के कारण भगत सेठ ने पूजा को मोहरा बनाकर अजय को अपने प्यार की जाल में फंसाने को कहा। पूजा, मैं तुमसे क्यों शादी करूं? हर चीज के लिए तुम्हें किंग से भीख मांगनी पड़ती है। अगर किंग ही ना रहा तो? पूजा, अगर किंग को आने में पल भर की भी देरी हो जाती तो आजा भैया तेरे हाथों मारे जाते और फिर तुम भी मारे जाती। ए, बता रहे? भगत सेठ ने मुझे तुम्हें मारने को कहा। पूजा, हमारी फैमिली की इज्जत बचाने की खातिर उस दिन मैं तुम्हारे बाबा के बारे में कुछ बोल नहीं पाया। फिर जब मैं तुम्हारे घर उनसे माफी मांगने के लिए गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस वक्त तुम बहुत ही छोटी थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी मौसी के यहाँ भिजवाने का फैसला किया और तुम्हें पता चले बगैर तुम्हारी परवरिश के मैंने सारे इंतजाम कर दिए। ये सब करके मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, बस अपना फर्ज निभाया। फिर भी तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए तुम्हें मुझे मारने का पूरा हक था, लेकिन यकीन करो उससे अजय का कोई ताल्लुक नहीं था। अजय, बाबा ने मुझे किंग बनाया पर मेरे सर पे ताज नहीं, जिम्मेदारियां डाली और उन जिम्मेदारियों की वजह से मुझे जो कुछ नहीं मिला वो मैंने तुम्हें दिया। इसलिए मुझे लगा कि तुम्हारी पढ़ाई मेरी पढ़ाई है, तुम्हारी कामयाबी मेरी कामयाबी है। मैंने तुम्हें एक बड़े भाई की तरह नहीं, एक बाप की तरह पाला। मुझे लगा कि मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर रहा हूं, लेकिन यह नहीं सोचा कि तुम्हारी जरूरत क्या है। मैं जानता था कि मेरी जान को खतरा है और इसी वजह से मां कभी चैन से नहीं सो पाई, लेकिन अगर उन्हें पता चलता कि वह खतरा तुम हो तो मां का कलेजा फट जाता। माफ कर दो, I'm sorry। कैसे माफ कर दूं पगले, तूने कोई छोटी गलती नहीं की। बाबा, मैंने आपसे किया वादा निभाया, लेकिन मैं सबको खुश नहीं रख सका। उसे पूरा करने का एक ही तरीका है कि मैं यहां से बहुत दूर चला जाऊं। I'm sorry। बेटा, दीदी घर छोड़कर चली गई, लेकिन माँ, उन्होंने कहा है कि उन्हें तलाश करने की कोशिश ना करें। ये लो दौलत जायदाद के कागजात जो तुम चाहते थे। आज से इस महल के किंग तुम हो। अप्पा जी भाई, उन्होंने आप तीनों से एक बात कहने को कहा है। इतने दिनों से आप पे लगी पाबंदी दौलत बचाने के लिए नहीं, आपको मुसीबत से बचाने के लिए लगाई गई थी। आप तीनों उनकी नंदों का ख्याल अच्छी तरह से रखें, उसके लिए इतनी जायदाद आप तीनों को दी गई है। मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं आप? हैरान है ना कि मुझ जैसा भुलक्कड़ आदमी इतनी सारी बातें कैसे याद रख सकता है? क्योंकि गिलास टूटने की बात हम भूल सकते हैं, लेकिन दिल टूटने की नहीं भूल सकते। शरद बाबू कहाँ गायब हो गए? वो कहाँ है? जल्दी उनको हमसे मिलवा दो भगवान। अरे आप तो कुरियर सर्विस से भी फास्ट हैं भगवान। शरद बाबू। हाँ, अरे साले साहब आप, गुड मॉर्निंग। अरे हाँ, बिना बताए कहाँ चले गए? उन्हें मार मार के नानी याद दिला दी थी, इसलिए नानी से मिलने गांव गया था। तुम्हारी बुजदिली ने तुम्हें बचा लिया। बुजदिली? कैसी बुजदिली? आपको क्या लगता है मैं उसे छोड़ दूंगा? पुलिस केस कर दूंगा उस पे। अब तो चला गया, उस पर क्या केस करेंगे? कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। वो देखो, रघु रोकड़ा का बाप। अगर नरसिम्हा को बेटे की मौत का पता लगा तो वो मर जाएगा। तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है, तुम रघु रोकड़ा बनकर उन्हें मिल लिया करना, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? ये कैसा स्क्रीन प्ले है? आते आते ट्रेन में मुझे किंग की माँ मिली थी, उनका दिल ना टूटे ये सोचकर मैं किंग बन गया। अब आप मुझे रघु बनने को कह रहे हैं। मुझसे कितने रोल कराना चाहते हैं आप? मैं कोई संजीव कुमार या प्रियंका चोपड़ा हूं? किसी नेक काम के लिए चाहे जितने भी रोल करने पड़े कर लो। ठीक है, मैं शिवानी से पूछूंगा। शिवानी कहाँ है? अरे शरद, तुम तो गायब हो गए। पता है मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान थी? शिवानी, मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। मैं वो नहीं जो तुम समझ रही हो। मतलब? मैं किंग हूँ। किट्टू, जानते हो तुम जिंदा क्यों? ताकि मुझे भगत सेठ के हर प्लान की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सर, सर, सर। वो सपना फ्रॉड है सर, उसका नाम, सारे डिटेल सब जाली है। फिर तुमने उसे अपनी कंपनी में अपॉइंट ही क्यों किया? आपका रिकमेंडेशन लेटर देखकर सर। मैंने तो ये ब्लैंक लेटरेट साइन करके अपने घर के सेफ में रखे थे ताकि मेरी गैर मौजूदगी में काम आ जाए, यानी घर का ही कोई। सर, भगत सेठ के आदमी ने आप पर हमला किया, पर जिस लड़की ने आप पर गोली चलाई उसका कोई भी आता पता नहीं मिला। सर, भगत सेठ के पास आपके हर एक प्रोग्राम का डिटेल है, उत्तरांचल ट्रिप का भी, शायद कोई फैमिली मेंबर उनके साथ मिला हुआ है। थैंक यू किट्टू। मुन्ना, मेरी बात ध्यान से सुन। फिर मैंने मुन्ना के साथ ये नाटक शुरू किया। आ जाओ, जल्दी अंदर बैठो, पुलिस आ रही है। तुम्हें किंग बनकर महल में रहना है। वहाँ पता चला कि बाकी दो फुफाओं का हाथ भी इस साजिश में नहीं था। मेरे भाई को जो चाहिए था वो उसे देने के लिए मरने का झूठा नाटक करके यहाँ आ गया। सर, आगे तू क्या खबर है? भगत सेठ ने मुझे आपके भाई की गाड़ी में बम रखने को कहा है। फिर तुमने क्या किया? उन्हीं की गाड़ी में फिट कर दिया। भगत सेठ। किट्टू, वो काम हो गया। भगत सेठ, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारा हाथ मेरी फैमिली पर उठा तो तुम दुनिया से उठ जाओगे। कौन बोल रहा है? किंग। अरे मैं कह रहा। अरे शिवानी, तुम 2 दिनों से शरद के लिए परेशान थी, इसलिए एक गुड न्यूज़ नहीं बताई। कौन सी गुड न्यूज़? वो क्या है ना कि मास्टर जी की बहन से मैं बहुत प्यार करता हूँ। पता है। तो ये भी पता होगा कि इन्होंने मेरा टेस्ट लिया था। हाँ, पता है। उस टेस्ट में मास्टर जी ने मुझे फुल मार्क्स देकर पास कर दिया। सच भैया? खुश होने की जरूरत नहीं। आर्ट का अपमान रोकने के लिए मैंने दिल पर पत्थर रखकर इन्हें पास किया है। हाँ? अरे मैं बात कर रहा हूँ ना सर। देखिए, मैं चाहता हूँ कि लगे हाथ मेरी शादी भी हो जाए। क्या ख्याल है शरद बाबू? ठीक है साले जी, सिंगल खर्च डबल शादी। ज्ञानेश्वर की बहन की शादी रघु रोकड़ा के साथ, ये तो अजब गजब प्रेम कहानी हो गयी। अब तो बैंड बजेगा। जी, आपको रघु रोकड़ा समझ रहा है? मैंने कहा था ना, पता भी नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब, हम इन दोनों की शादी पहले ही मुहूर्त में करेंगे। सुन बेटा, मैं बहू के लिए गहने खरीदने जा रही हूँ। ठीक है माँ। जीजू। हाँ बोलिए। ये बेचारी तो तुम्हें सच में किंग समझ रही है। बहुत ही भोली है ना। ए शरद। अरे साले साहब, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हें नहीं, उससे। किससे? नमस्ते सर। नमस्ते शरद जी। अबे भैंसे, यहाँ क्यों आया? मैं तो भगवान के दर्शन करने आया। शरद। हाँ बोलिए सर। तेरे को नहीं, मेरे को बुला रहा है। हाँ सर साहब, अपने फ्रेंड को भी शादी पर इन्वाइट कर लो। शादी में आएगा तो बहुत फटके खाएगा। मेरे दादाजी कहा करते थे कि मैं किसी काम का नहीं, पर मैं तो आपके काम आ गया। बधाई हो। शरद कुमार, आज से तुम्हें 3-3 रोल करने पड़ेंगे और सबको खुश रखना पड़ेगा। ये सब कैसे करोगे? इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। किसी चौथे रोल में आ गया तो